वेलकम स्टूडेंट्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉल साइंस के सेकंड सेमेस्टर में जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स है। पेपर का नाम है पटकथा एवं संवाद लेखन। ये आपके सेकंड सेमेस्टर का पेपर है बेटे। आज के वीडियो में है इस पेपर का हम पूरा सिलेबस प्लस जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। विद इन 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम सारा का सारा कवर कर लेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आपको बार बार इसको देखना ना पड़े, क्योंकि पेपर आपका बहुत नज़दीक है बेटे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस टैली कर लीजिए बेटा। आपको आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है इस पेपर का, उससे आप अपना सिलेबस टैली ज़रूर कर लिया कीजिए। तो क्योंकि जो नए जो आपका इस साल जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, इनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस नया है बेटे। पुराने सिलेबस का किसी पुराने वीडियो पर आप मत जाइएगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, आपके 4 इकाइयाँ होंगी इसमें। पहली है पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा, दूसरी है फीचर फिल्म टीवी धारावाहिक कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री की पटकथा, तीसरी इकाई है आपकी संवाद लेखन संरचना और सिद्धांत, चौथी है फीचर फिल्म धारावाहिक कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री का संवाद लेखन। तो ये 4 इकाइयाँ आपकी इस पेपर में है। पेपर का नाम है, एक बार फिर से देख लीजिए, पटकथा एवं संवाद लेखन। ध्यान दीजिएगा बेटे, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का जेनेरिक इलेक्टिव पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला यूनिट है पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा। यहाँ से बेटा पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, इसी आपके टाइटल से ही बन जाता है। पटकथा लेखन के स्वरूप और अवधारणा पर चर्चा कीजिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटे, कोई भी क्वेश्चन आपका, एक जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे गए होते हैं, तो आपको दोनों का आंसर देना है, केवल एक का आंसर नहीं देना। एक का आंसर लिखने के बाद दूसरे को भी आपने उसी में साथ में कंटिन्यू करना होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा। पटकथा लेखन टीवी लेखन से संबंधित होता है। लेखक एक आइडिया या विचार बिंदु पर कार्य करता है जो उसका अपना या निर्माता का दिया हुआ होता है। जो लेखक होता है किसी की, जो पटकथा लिख रहा होता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं बेटे इंग्लिश में, स्क्रिप्ट को ही हिंदी में पटकथा कहा जाता है। तो जो लेखक होता है, पटकथा का लेखक होता है, वो किसी आइडिया पर या किसी विचार बिंदु पर काम कर रहा, तो कोई पॉइंट ऑफ कोई एक सेंट्रल आइडिया होता है उसके पास, जिसके इर्द गिर्द उसे एक कहानी बुननी होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्रोड्यूसर है, उसने किसी लेखक को कह दिया जी ऐसा है, आप मुझे जो है चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक पटकथा लिख करके दे दीजिए। तब जो पटकथा लेखक है उसे चाइल्ड मैरिज के चारों तरफ ही एक कहानी बुननी पड़ेगी जिसका सेंट्रल आइडिया हो बाल विवाह। ऐसे ही अगर किसी ने लिख दिया ईव टीजिंग पर मुझे आप एक पटकथा लिख करके दे दीजिए, तो कहानी वो जो भी लिखेगा उसके सेंटर में बार 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 वही ईव टीजिंग ही आता जाएगा। तो लेखक जो होता है उसके पास एक आइडिया होता है जिसके ऊपर उसे काम करना होता है, और वो उसका अपना भी हो सकता है या फिर कोई लेखक उसे दे सकता है। उसी बिंदु के अनुसार, उसी एक सेंट्रल आइडिया के अनुसार कार्यक्रम के लक्ष्य स्तर अवधि के अनुसार विस्तार होता है। अब पटकथा क्या होती है? कोई उपन्यास, कहानी, निबंध, घटना, पुराण, लोकगाथा, इतिहास, आलेख, नाटक आदि पर केंद्रित होती है पटकथा। पटकथा लिखी जाती है किसी सीरियल के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए, किसी कहानी के लिए, किसी फिल्म के लिए। स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना बेटे, किसी नाटक की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो बेस्ड हो सकती है किसी उपन्यास पर, जैसे देवदास फिल्म जो थी वो देवदास नाम के ही एक उपन्यास पर आधारित थी। कहानी पर, पंच परमेश्वर कहानी है मान लीजिए, इस पर फिल्म बन जाए, या ईदगाह पर जैसे फिल्म बनी थी, काबुली वाला पर फिल्म बनी थी। निबंध पर किसी पर फिल्म बन जाए, किसी घटना पर फिल्म बन जाए, जैसे आरुषि मर्डर केस पर बनी, या फिर नो वन किल्ड जेसिका पर बनी जो फिल्म थी वो बनी थी, है ना। और पुराणों पर कोई कहानी कोई मिल जाए उनसे बन जाए, जैसे कि रामायण पर फिल्म बनी, या फिर श्री कृष्ण पर कोई कहानी बनी, जैसे संतोषी माता जो फिल्म थी वो सारी की सारी इसी तरीके से जो थी पुराणों पर आधारित थी। लोकगाथा, कोई लोक कथा है कोई, उस पर कोई कहानी बन जाए, कोई फिल्म बन जाए, उस पर कोई नाटक बन जाए, कोई जो है सीरियल बन जाए। ऐतिहासिक कोई, जैसे अकबर पर बनी, जोधा अकबर फिल्म बनी, ये ऐतिहासिक जो है उन पर इतिहास से कोई पटकथा बनाई जाती है। आलेख, कोई आर्टिकल किसी ने लिख दिया उस पर कोई फिल्म बन जाती है, नाटक बन जाता है। कोई नाटक है पुराना उस पर पटकथा लिखी जा सकती है दोबारा से।
इसमें ध्यातव्य सिर्फ इतना ही होता है कि मूल तत्व उसका बना रहना चाहिए। जो सेंट्रल आइडिया है उस नाटक का, उस कहानी का, उसके साथ जो उसका मूल तत्व है, जो उसका बेसिक एलिमेंट है, कोई भी पटकथा लेखक, कोई भी स्क्रिप्ट राइटर उसके साथ छेड़खानी ना करे। जैसे अभी अभी आपने रिसेंटली बहुत देखा होगा कि आदिपुरुष जो फिल्म थी, उदाहरण मैं आपको साथ के साथ देती जा रही हूँ बेटे, तो आदिपुरुष जो फिल्म थी उसके लिए यही कहा गया कि उन्होंने जो डायलॉग थे हनुमान के मुँह से वो ऐसे डायलॉग बुलवा दिए कि लोगों को वो स्वीकार नहीं हुए कि अरे हनुमान भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो वो मूल तत्व के साथ छेड़खानी हो गई एक तरीके से, जिसके लिए बाद में जो पटकथा लेखक थे उन्होंने उसके लिए बाद में माफ़ी भी मांगी। तो एक तरीके से जो मूल तत्व होता है उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। अब पटकथा क्या होती है? पटकथा में क्या क्या होता है? एक मुख्य भाव होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाती है। साथ में आमुख होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें पता चलता है इसका फ्रेमवर्क क्या है, पूरा का पूरा किस चीज़ के अकॉर्डिंग चलेगा और रूपरेखा उसकी क्या रहेगी, पूरी उसकी विवेचना की जाती है। अब टीवी लेखन में पटकथा लेखन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी टीवी के जो सीरियल वगैरह लिखे जाते हैं, फिल्में लिखी जाती हैं, उसमें पटकथा लेखन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, विशिष्ट लेखन होता है, क्योंकि और ये दो समानांतर लेखन इसमें चल रहे होते हैं। ये विशिष्ट लेखन क्यों होता है पटकथा लेखन? क्योंकि इसमें दो पैरेलल राइटिंग्स चल रही होती हैं, समानांतर लेखन चल रहे होते हैं, क्योंकि जो वीडियो होता है, फिल्म होती है या कोई टीवी सीरियल है, नाटक है, वो ऑडियो विजुअल होता है, उसमें दृश्य भी होते हैं और डायलॉग भी होते हैं। तो दृश्य पक्ष को भी लिखा जाता है और श्रव्य पक्ष को भी लिखा जाता है किसी भी पटकथा में। आपने अगर आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपकी बुक में पापा खो गए, या एक आपने कहानी पढ़ी होगी हिंदी की कृतिका बुक में रीढ़ की हड्डी, वो नाटक ही है और वो पटकथा के फॉर्म में ही लिखा गया। तो उसमें आप देखते हैं कि कोई कौन चरित्र बोल रहा है और खिसियाते हुए, झूठे हंसते हुए, दांत दिखाते हुए, ऐसे करके उसमें साथ में ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो वही होता है दृश्य पक्ष, यानी कि आपने जो है कोई पेज है उसको क्या करता है पटकथा राइटर, बीच में से बांट लेता है, उसने पेपर को बांट लिया, एक तरफ वो वीडियो परख जो डायलॉग जो चीज़ें होती हैं उन्हें लिखता है, दूसरी तरफ ऑडियो परख लिखता है। यानी कि वीडियो परख में क्या होगी, जो दिखाई पड़ेंगी, यानी कि कोई भी करेक्टर कौन बोलेगा, कहाँ पर बोलेगा, उसकी वेशभूषा क्या होगी, क्या उसके फेस एक्सप्रेशन होंगे, ये सब वीडियो पर जो होता है विभाजन जो पार्ट होता है आधा उस पर लिखी जाती हैं। यानी कि कागज़ जो है आपका उसको आपने बीच में से बांट लिया, जैसे आप कोई भी अंतर स्पष्ट कीजिए वाला कोई आंसर लिखते हैं उस तरीके से, उसमें एक तरफ आपने उसमें ये चीज़ें लिख दी और दूसरी तरफ उसमें आपने डायलॉग लिख दिए सारे के सारे। ये होता है वीडियो परख और ऑडियो परख। और साथ में एक तीसरा कॉलम भी कई बार बना लिया जाता है जिसमें संगीत की विशिष्ट संगीत लिख दिए जाते हैं, एक साथ ही लिखे जा रहे होते हैं पैरेलल में। और कई बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो निरंतरता से भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिखते चले जाते हैं, पेज को बीच में बांटते नहीं हैं। तो ये तरीके होते हैं पटकथा लेखन के। आपको बेटे पेपर में पटकथा लेखन भी आ सकता है, तो कोई एक नाटक की दो चार लाइनें, आप कोई एक आध पेज जरूर पढ़ लीजिए कहीं से, ताकि आपको पता चल जाए कि डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। वैसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, है ना। तो आगे है जो पटकथा होती है उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए होते हैं। पटकथा का जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो हमने कहा था कि आधा आधा बांट लिया जाता है, तो लेफ्ट पार्ट में दृश्य संख्या बताई जाती है, कितने नंबर सीन होगा, करेक्टर नंबर कितना, कितने करेक्टर होंगे वहाँ पर उस वाले सीन में, कितने करेक्टर स्टेज पर होंगे और पात्र किस प्रकार के होंगे, शॉर्ट संख्या लिखी जाती है, शॉर्ट नंबर कितना है वो लिखा जाता है, समय कौन सा है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, वो लिखा जाता है, प्रकाश कैसा है वहाँ पर वो लिखा जाता है, राइटिंग सिस्टम क्या रहेगा वो लिखा जाता है, और साथ में ये इंडोर शूटिंग है या बाहर आउटडोर शूटिंग है वो लिखा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में पेज पर लिखी जाती हैं जब पेज कोई पटकथा लिखी जाती है, और राइट साइड में सारे के सारे डायलॉग लिखे जाते हैं, जो डायलॉग एक्टर्स एक्ट्रेसेस बोलेंगे। अब पटकथा लेखक कोई निर्देशक भी हो सकता है, जैसे कि गुलजार हैं वो लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं। पटकथा का स्वरूप क्या होता है, कोई पटकथा जो लिखी जाती है उसका क्या ओवरऑल एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कैमरा कोण यानी कि कैमरा का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैमरा में कोई चीज़ कैसी दिख रही है। आप भी जब अपनी कोई सेल्फी वगैरह लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि कैमरा में मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, उसी के हिसाब से आप फिर अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो वही चीज़ देखी जाती है कि कैमरा में जो पिक्चर है वो परफेक्ट आनी चाहिए। इसके बाद मान लीजिए कोई बड़ी फिल्म बना रहा है, दो तीन घंटे की फिल्म बना रहा है, उसमें उसको चार जगह अलग अलग जगह पर सिंगापुर के सीन दिखाने हैं, तो चार बार सिंगापुर थोड़ी जाएगा, वो सिंगापुर के जितने भी उसको शूटिंग करनी है, जितने भी शॉट हैं सिंगापुर के, वो जाके एक साथ शॉट उनको वहाँ से शूटिंग करके ले आएगा,
और आकर के उनको अपनी पूरी फिल्म में असेंबल कर देगा। मान लीजिए कोई वो फिल्म बना रहा है, उसमें शॉट नंबर 1, 3, 5, 7 तो जानी है, कहीं बाहर से शूट होनी है, और 2, 4, 6, 8 किसी सेट में उसको शूट करना है, तो क्या करेगा, पहले जैसे अपने अपनी जो सेट है वहाँ के शूट कर लिए, 2, 4, 6, 8 नंबर जो शॉट हैं उसने शूटिंग कर ली। उसके बाद जो उसके किसी लोकेशन की जो शूटिंग होनी है वहाँ पर जाएगी अपनी पूरी टीम के साथ में, वहाँ जाके 1, 3, 5, 7 जो शॉट हैं उनकी शूटिंग हो जाएगी। उसके बाद उनको सारों को लेकर क्योंकि इकट्ठा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में वो उसको प्रॉपर असेंबल कर देंगे। इस तरीके से बेटे फिल्म बनती है। कभी भी फिल्म के जो शॉट होते हैं सीरियल वाइज शूट नहीं किए जाते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जो करेक्टर मिल रहा है, जो एक्टर मिल गया उसके सारे के सारे सीन शूट कर लिए जाते हैं, जो लोकेशन मिल गई उस लोकेशन के सारे सीन शूट कर लिए जाते हैं, इस तरीके से शूट किए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और साथ में एक ही जगह के जो कई शॉट होते हैं उनको एक साथ कर लिया जाता है शूट। कैमरा दो तरह का होता है बेटा, एक स्टिल कैमरा होता है जो एक जगह टिका दिया जाता है, उसके सामने लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बोलते नाचते रहते हैं, शूटिंग होती रहती है। और दूसरा होता है मूविंग कैमरा। मूविंग कैमरा को किसी ट्रेन की तरह पटरी होती है, उसके ऊपर ट्रॉली लगाई जाती है, उसके ऊपर कैमरा रखा जाता है और वो कैमरा मूव करता रहता है और मूविंग चीज़ों की वो शूटिंग चलती रहती है, उनकी वो वीडियो बनाता रहता है। तो ये होते हैं दो तरह के कैमरा। अब कैमरा से क्या क्या किस तरह के शॉट लिए जाते हैं, कैमरा से किस किस तरह के शॉट्स लिए जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले होता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, जो बहुत दूरी से लिया जाता है, जो काम आजकल ड्रोन से किया जाने लगा है। उसमें क्या होता है, बड़ा एरिया दिखाया जाता है, लार्ज एरिया को एक ही सीन में दिखाया जाता है, काफ़ी कुछ दिखा दिया जाता है उसमें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं, बड़े बड़े जो नेचुरल सीन होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं, बड़े भवन दिखा दिए जाते हैं, लेकिन वो दूर से दिख रहे होते हैं और अक्सर वो क्लियर नहीं होते हैं। लोग आपको दिख रहे होते हैं लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिख रहे होते हैं, वो होता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट मतलब कि बड़ा शॉट ले लिया आपने कोई, जिसमें बहुत बड़े एरिया का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, जो चीज़ आजकल फ़ोन में आप लोग पैनोरामा वगैरह करते हैं वही चीज़ है ये बेटा। अगला है मीडियम लॉन्ग। मीडियम लॉन्ग शॉट क्या होता है, जिसमें 4-6 करेक्टर दिखाई पड़ रहे होते हैं आपको सीन में और कम दूरी का दृश्य होता है, उतनी ज़्यादा दूरी का नहीं होता है जितना लॉन्ग शॉट में होता है, उससे थोड़ा कम होता है मीडियम लॉन्ग में, तो 4-6 पात्र दिखाई पड़ रहे होते हैं, कम दूरी का दृश्य होता है, पात्रों के भाव दिखने लग जाते हैं, यहाँ पर पात्रों के फेस एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। तीसरा होता है मीडियम क्लोज, जिसमें कोई भी जो एक्टर हैं उनके कमर से ऊपर का हिस्सा वीडियो में दिखाई पड़ रहा होता है, पैर नहीं दिख रहे होते हैं और चेहरे के मनोभाव दिख रहे होते हैं। ये चीज़ कई बार तब की जाती है जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं उनको दिखाया जाता है। इसके बाद होता है क्लोज शॉट। क्लोज शॉट बहुत नज़दीक से लिया जाता है, बहुत पास से लिया जाता है, इसमें किसी भी इंसान के चेहरे के बिल्कुल स्पष्ट भाव भाव दिखाई पड़ रहे होते हैं। आमतौर पर यह तब दिखाया जाता है कि जब दो लोग बात कर रहे हैं उन दोनों को एक एक करके दिखा रहे होते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग करने लगे हैं, आपने भी वीडियो बनाई होगी कोई जिसमें आप अकेले ही डबल रोल कर रहे होते हैं, वो क्लोज शॉट होते हैं। उसके बाद है क्लोज़अप, जिसमें कि सबसे नज़दीकी शॉट होता है, बिल्कुल फेस के पास लाकर के शॉट लिया जाता है, इसमें किसी इंसान के आंसू, स्माइल, उसके फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा होता है। एक होता है इंसर्ट शॉट, इसमें दिख रही वस्तुओं को विशेष अर्थ देने के लिए, सिंबलाइज कराने के लिए उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है इंसर्ट शॉट में। और फोकस शॉट जो होता है उसमें लेंस को ऐसे चलाया जाता है कि पूरा का पूरा जो चित्र है वो गहरा और क्लियर दिखे, मतलब उसमें क्लियरिटी ज़्यादा हो, फोकस लेंस का जो है वो उस सीन के ऊपर ज़्यादा हो। इसके बाद होता है पेनिंग, जो आप कोई ड्राइंग बनाते हैं उसको स्केच पेन से या किसी ब्लैक पेन से जो आउटलाइन कर देते हैं उसे ही फोटोग्राफी की लैंग्वेज में पेनिंग कहा जाता है। जब कोई फोटो किया गया तो उसमें आउटलाइन जो है उसको थोड़ा सा उभार दिया, एक तरीके से उसको गहरा कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया उसको, तो वो पैनिंग कहलाती है। फेड इन और फेड आउट बेटा दोनों चीज़ें एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। फेड इन में क्या होता है, कोई चीज़ अंधेरे में से धीरे धीरे उभर करके आपकी तरफ को आती है, आपको दिखाई पड़ने लग जाती है, और फेड आउट में क्या होता है, कोई धीरे धीरे कोई चीज़ अंदर को गायब होती चली जाती है। फेड इन में दिखनी शुरू होती है और फेड आउट में आउट होती है, यानी कि जाती है। फेड इन में अंदर आती है और फेड आउट में बाहर जाती है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद कहते हैं मोनताज, जिसमें दृश्य ओवरलैप करके दिखाना है, यानी कि कई चीज़ों को ओवरलैप कर दिया, जैसे आप कोलाज बनाते हैं कि ऊपर एक पिक्चर सजा करके, उसे ही फोटोग्राफी में मोनताज कहा जाता है शूटिंग में। इसके बाद है
फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में किया जाता है। फ्लैशबैक में आपने देखा होगा थोड़ा सा पीला सा करके सीन दिखा दिया जाता है या ब्लैक एंड वाइट में दिखा दिया जाता है, जो पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं उनको बताने के लिए बैकग्राउंड जो बताते हैं, कहानी बैकग्राउंड में चल रही है, उसे फ्लैशबैक कहा जाता है। एक होता है डिसॉल्व, जिसमें लगभग कोई भी चीज़ फेड आउट हो चुकी होती है लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ उसके नामो निशान बाकी रह जाते हैं, थोड़ी सी उसकी इमेज रह जाती है, उसे डिसॉल्व कहते हैं। मिक्स कहते हैं एक से ज़्यादा दृश्यों को मिलाना, जैसे एक ही व्यक्ति दो लोगों का कैरेक्टर निभाते हुए कोई वीडियो बना रहा था, उसे मिक्स करना कहेंगे। क्रॉस कटिंग, दृश्यों के शॉट एक के बाद एक लगातार क्रम में जो आते हैं उसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। ठीक है बेटे, ये सारे थे कैमरे के कार्य। और फ्रीज, किसी भी वीडियो को, वीडियो चल रही है किसी जगह पर लगा के आपने उसको स्टिल कर दिया तो वो जगह फ्रीज करना, आपने उसको वीडियो को फ्रीज कर दिया। ये थे कैमरे के कार्य, ख़त्म हो गए। एक ट्रॉली क्या होती है, ट्रॉली लगातार भागता हुआ एक तरह से एक बर्तन जैसा होता है बड़ा सा, और पटरियों के ऊपर रख करके उसको, उसमें कैमरा रखा जाता है और शूटिंग की जाती है। क्रेन से ऊपर के दृश्य दिखाए जाते हैं, चारों तरफ से दिखाए जाते हैं, सभी तरफ से दिखाए जाते हैं, ड्रोन से भी दिखाए जाते हैं, क्रेन से भी दिखाए जाते हैं। टाइटल नंबरिंग कहते हैं, जो जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी उस फिल्म को बनाने में योगदान देने वाले होते हैं, उन सबका जो नाम लिखा हुआ आता है शुरू में, कई बार लास्ट में, कई बार बीच में भी आ रहा होता है, उसे टाइटल या नंबरिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फिल्म होती है उसमें जो लिखी हुई चीज़ें जो आ रही होती हैं तेज़ म्यूजिक के साथ में या धीमे म्यूजिक के साथ में, या कई बार आजकल म्यूजिक नहीं भी होता है, तो टाइटल या नंबरिंग कहते हैं, जिसमें सभी, इसमें एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, म्यूजिशियन कौन है, स्पेशल इफेक्ट किसने दिए हैं, इसमें ड्रेस डिज़ाइनर कौन है, मेकअप आर्टिस्ट कौन है, इन सबके नाम आ रहे होते हैं, उसे टाइटल या नंबरिंग कहते हैं। अब ये हो गया हमारा कैमरे के कार्य। इसके बाद हम करेंगे टीवी कार्यक्रम। टीवी के कार्यक्रम किस किस तरह के होते हैं? टीवी के कार्यक्रम बेटे दो तरह के होते हैं, आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैमरे के कार्य पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उसको भी आप बहुत डीपली कर लीजिएगा। टीवी के कार्यक्रम दो तरह के होते हैं बेटे, कमीशन्ड और स्पॉन्सर्ड। अब कमीशन्ड प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, पूरा उसका खर्चा जो होता है वो दूरदर्शन केंद्र करता है, वो विषय देता है कोई कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, अलग अलग लोग जो निर्माता होते हैं वो बना करके वीडियो देते हैं, एक कड़ी बना करके दे देते हैं, अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो आगे उनको और सीरियल बनाने की, पूरी और भी ज़्यादा सीरीज़ बनाने की परमिशन मिल जाती है। तो इसमें खर्चा सारा का सारा जो दूरदर्शन केंद्र होता है वो करता है, निर्माता निर्देशक केवल वीडियो बनाने का काम करते हैं, उनको वहाँ का जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा मिलता जाता है, ये होता है कमीशन्ड टीवी प्रोग्राम। और दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड टीवी प्रोग्राम, जिसके लिए कोई भी निर्माता जो होता है खुद खर्चा करके कार्यक्रम बनाता है, कोई भी प्रोड्यूसर है उसने खुद खर्चा किया, कोई सीरियल बनाया, कोई फिल्म बनाई और उसको टीवी पर दिखाने के लिए वो दूरदर्शन केंद्र को कुछ पैसा, कुछ चार्ज देता है, कोई शुल्क देता है और उससे लाभ कमाने के लिए उसको विज्ञापन मिलते हैं, उसके प्रोग्राम के बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, तो ये होते हैं स्पॉन्सर्ड। जैसे आजकल आप, अगर आजकल क्या, बहुत टाइम से हम लोग भी देख रहे हैं, हम छोटे छोटे तब से देखते आ रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाय, है ना, इस तरह से करके जो आप सुनते हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कोई ना कोई विज्ञापन देने वाली कंपनियाँ स्पॉन्सर कर रही होती हैं और उसके बीच बीच में उन कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, तो ये होता है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। इसके बाद है टीआरपी। टीआरपी आपने बहुत सुना होगा बेटा, बड़ा ही कॉमन वर्ड आजकल बन चुका है। कोई भी प्रोग्राम, उसकी डिमांड कितनी है, उसे कितने लोग पसंद कर रहे हैं या कितने लोग देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ को लोग कम देख रहे हैं तो टीआरपी डाउन है, किसी चीज़ को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो टीआरपी अप है, ज़्यादा। चुनी हुई संस्थाएँ हैं जो कि टीआरपी का सर्वे करती हैं। सर्वे जो होता है उसमें लोगों का जो ऑडियंस है उनका आर्थिक आधार देखा जाता है कि अमीर हैं, गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, उनका व्यवसाय देखा जाता है, ये क्या क्या काम करते हैं, कितनी इनकी इनकम है, है ना, और साथ में ग्रामीण हैं या शहरी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये सर्वे करके बताया जाता है कि किस प्रोग्राम को कौन लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस प्रोग्राम को क्यों पसंद नहीं किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें टीआरपी के सर्वे में पता चलती हैं। टीआरपी हो गया बेटे आपका, टीआरपी पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे है टेलीविज़न और धारावाहिक की पटकथा लेखन, इनमें अंतर क्या है। टेलीविज़न और धारावाहिक, टेलीविज़न टेलीफिल्म और धारावाहिक, कोई टेलीफिल्म जो होती है वो देखिए दोनों का पहले डिफरेंस बताती हूँ। धारावाहिक जो होता है उसका पर्पज़ होता है लोगों का मनोरंजन करना, खालिस मनोरंजन उसका मकसद होता है, उसका मकसद कोई ज्ञान देना,
कोई नॉलेज देना, कोई इन्फॉर्मेशन देना कभी भी नहीं होता है। मिल जाए तो एक अलग बात है, उसका पर्पज़ नहीं होता है। और टेलीफिल्म जो होती हैं वो जनकल्याण के लिए बनाई जाती हैं, जन जागरण के लिए बनाई जाती हैं, शिक्षा फैलाने के लिए बनाई जाती हैं, लोगों में कोई जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जाती हैं। जिस टाइम चुनाव आते हैं तो चुनाव के प्रचार के लिए और वोटिंग राइट्स को यूज़ करने के लिए बनाई जाती हैं। तो लोकप्रियता और मनोरंजन आधारित होते हैं धारावाहिक। धारावाहिक जो होते हैं वो बहुत लोकप्रिय होते हैं और मनोरंजक होते हैं, जबकि टेलीफिल्म जो होती है वो जन जागरण और प्रसार के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोनों के दोनों दृश्य श्रव्य माध्यम है, दोनों में दृश्य भी देखते हैं और सुनाई भी पड़ता है। धारावाहिक केवल मनोरंजन के लिए होता है, जबकि टेलीफिल्म जो होती है वो जनकल्याण के लिए, जन जागरण के लिए, शिक्षा के लिए होती है। धारावाहिक पात्र प्रधान होता है। कैसे पात्र प्रधान होता है? जैसे आपने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आप तारक मेहता से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट फील कर पाते हैं। जैसे आपने देखा CID, तो आप उसमें जो प्रद्युम्न हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो पात्र जो है वो आपको एक तरीके से अपना सा लगता है। स्पॉन्सर्ड होते हैं आमतौर पर धारावाहिक, कोई ना कोई कंपनियां होती हैं, विज्ञापन जो होते हैं जिनके आ रहे होते हैं, कोई ना कोई इनको प्रायोजित कर रहा होता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब प्रायोजित बैठ के। कड़ियाँ होती हैं, कई एपिसोड में होते हैं धारावाहिक। जबकि टेलीफिल्म जो होती है वो साहित्यिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, किसी की जीवनी पर हो सकती है, या किसी भी सामान्य ज्ञान के विषय पर हो सकती है। मौलिकता की रक्षक होती है, मौलिक होती हैं, ये किसी की चीज़ की नकल नहीं होती हैं, और साथ में कमीशन्ड होती हैं। इनके लिए दूरदर्शन केंद्र खुद खर्चा करते हैं, तब लोग इनके लिए बनाने के लिए मेहनत करते हैं। साथ में सिंगल एपिसोड होता है इनकी, बार बार कड़ियाँ नहीं आती हैं, पार्ट वन पार्ट टू आमतौर पर नहीं आता है, एक ही पार्ट में पूरी टेलीफिल्म ख़त्म हो जाती है। धारावाहिक की लोकेशन सेट होती है, वहीं पर हर बार उसकी शूटिंग होती है। कथा बहुत धीमे धीमे चलती है, स्टोरी बहुत धीमे चलती है, और खर्च भी उसमें कम आता है, क्योंकि जो सेट होता है वो फिक्स होता है, करेक्टर फिक्स होते हैं, उनका पहनावा भी आमतौर पर फिक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो उसमें खर्चा कम आता है। जबकि टेलीफिल्में होती हैं और ज़्यादातर बाहर लोकेशन में, यानी कि आउटर लोकेशन में शूट की जाती हैं, उनकी कहानी बड़ी तेज़ भागती है और खर्चीली होती है। अब TV और सिनेमा की पटकथा लेकर, हमने TV और धारावाहिक देख लिया, अब TV और सिनेमा के पटकथा लेखन में क्या अंतर होता है? TV जो होता है उसका पर्दा छोटा होता है, सिनेमा का पर्दा बड़ा होता है। इसलिए जो लॉन्ग शॉट होते हैं वो सिनेमा में तो ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लेकिन TV पर लॉन्ग शॉट जो सीन्स होते हैं वो शूट नहीं करके नहीं दिखाए जाते हैं। TV की शूटिंग के लिए, TV की पटकथा लेखन के लिए खर्चा कम होता है, जबकि सिनेमा की पटकथा लेखन के लिए खर्चा ज़्यादा होता है। साथ ही TV का जो कथानक होता है, TV की जो कहानी होती है, उसमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं। मान लीजिए आपने 5 एपिसोड दिखाए, उसके बाद किसी को उसमें किसी घटना से आपत्ति है, तो आप 6 एपिसोड में उसको डाइल्यूट कर देंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस कर देंगे, या फिर उसको हटा देंगे। जबकि फिल्म जो होती है, फिल्म का कथानक निश्चित होता है, उसमें कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। उसमें जो भी चीज़ें एक बार आ गई उसे ऑडियंस पूरा देखेगी, उसके बाद उसकी तारीफ करेगी या फिर निंदा करेगी, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता। TV सीरियल जो होते हैं, TV के धारावाहिक जो होते हैं, वो आधे घंटे से 1 घंटे के होते हैं आमतौर पर, जबकि फिल्म 2.5 से 3 घंटे की होती है। TV के धारावाहिक की गति धीमी होती है, कहानी चलने की बहुत स्लो मोशन में स्टोरी चल रही होती है, जबकि फिल्म में ये ज़रूरी होता है कि 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कहानी निपटा दी जाए, इसलिए फिल्म की कहानी जो होती है बहुत तेज़ी से चलती है। यहाँ पर जो धारावाहिक होता है उसमें चरित्र से संबंध होता है, लोगों का करेक्टर से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग तारक मेहता से या फिर ACP प्रद्युम्न से कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिल्म में लोग कलाकार से संबंध करते हैं, कलाकार से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शोर मच जाता है, सलमान खान की मूवी आ रही है, शाहरुख खान की मूवी आने वाली है, या सारा अली खान की मूवी आने वाली है, तो हम कलाकार से कनेक्ट हैं, इसलिए हम फिल्म देखने जा रहे हैं। यहाँ पर धारावाहिक में क्या होता है, हम धारावाहिक देखते हैं, हम उसे देखने के लिए स्पेशली नहीं जाते। हमारे घर में TV है, उस पर आ रहा है, हम देख रहे हैं, तो जो सीरियल हमें पसंद आएगा उसके चरित्रों से हम जुड़ जाएंगे, उनको अपने घर का मेंबर मानने लग जाएंगे, उन चरित्रों से हमारा संबंध बन जाएगा। जबकि फिल्म में क्या होता है कि जो कलाकार होता है, हम भूल जाते हैं फिल्म में उसका नाम राज था, हम भूल जाते हैं उसका नाम प्रेम था, हमें केवल शाहरुख खान याद रहता है, हमें केवल सलमान खान याद रहता है, तो हमारा कनेक्ट उससे होता है। साथ में आमतौर पर धारावाहिक घर में देखे जाते हैं, जबकि फिल्में जो होती हैं जब रिलीज़ होती हैं तो सिनेमाघर में देखी जाती हैं, बाद में तो YouTube पर भी आती हैं और घर के TV पर भी आती हैं, लेकिन बेसिकली सिनेमाघर के लिए ही बनाई जाती हैं।
धारावाहिक में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि आप घर में हैं, आपके पास टीवी है, टीवी में सैकड़ों चैनल हैं, आपको एक पसंद नहीं आया आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी पसंद नहीं आया आप चौथा देख लीजिए। लेकिन सिनेमा हॉल में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, हालांकि आजकल मल्टीप्लेक्स बन चुके हैं, लेकिन तब भी आपको कोई ये ऑप्शन नहीं देगा कि चलिए आपको थिएटर नंबर 1 का अगर मान लो मूवी पसंद नहीं आई है तो थिएटर नंबर 2 में चले जाइए, या आपको 2 की नहीं पसंद आई है तो आप 3 में चले जाइए, वो नहीं होगा। आपने जहाँ का टिकट लिया है, जिस मूवी का टिकट लिया है, आपको पूरी की पूरी वही फिल्म देखनी होगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप बीच में छोड़ कर आ सकते हैं, लेकिन आपको चेंज करके वहाँ पर मूवी दूसरी कोई और नहीं दिखाई जा सकती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद और है, TRP के आधार पर कथा में परिवर्तन की गुंजाइश होती है। TRP के आधार पर जो TRP मिल रही है, हमारा सीरियल चल रहा है TV पर, उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिस्पॉन्स मिल रही है ऑडियंस से, उनके हिसाब से कहानी में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो फिल्म होती है उसमें पूरी की पूरी कहानी एक ही बार में ऑडियंस के सामने जाती है, ऑडियंस पूरी फिल्म देखने के बाद ही रिस्पॉन्ड करती है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। धारावाहिक में क्लोज शॉट ज़्यादा होते हैं, जिसमें एक या दो कैरेक्टर एक बार में दिखाई पड़ रहे होते हैं, और फिल्म में मिड शॉट लॉन्ग शॉट ज़्यादा होते हैं। लोकेशन धारावाहिक में आमतौर पर नहीं बदलती है, जबकि फिल्म में लोकेशन कई कई बार बदलती है। गीत संगीत कम होता है आमतौर पर धारावाहिकों में, आमतौर पर जितने भी धारावाहिक हैं उनमें गीत संगीत कम होता है, जबकि फिल्मों में इसकी काफ़ी गुंजाइश होती है। एक बात और, जो आपके धारावाहिक होते हैं उनमें आइटम गर्ल नहीं होती है, क्योंकि जो भी धारावाहिक हम देख रहे हैं उसे हम घर में बैठ करके अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ देख रहे होते हैं, तो उनमें आइटम गर्ल नहीं होती हैं, जबकि फिल्मों में वो होती हैं, जो कि आपके आइटम सॉन्ग वगैरह भी होते हैं। ये था बेटा धारावाहिक और सिनेमा की पटकथा में अंतर। अब आगे है पटकथा लेखन प्रक्रिया। पटकथा लेखन जब करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस पर क्वेश्चन बन रहा है। पटकथा लेखन का महत्व बताइए और पटकथा लेखन की प्रक्रिया पर विस्तार से लिखिए। तो इसके मैं स्टेप आपको समझा रही हूँ, आप भी समझिए बेटा। यदि अन्य कलाकार की रचना लिख, अगर मान लीजिए किसी लेखक की अपनी रचना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ली उठाई उस पर वो पटकथा लिखना शुरू कर देगा उस कहानी के आधार पर। लेकिन अगर किसी और रचनाकार की रचना ली गई है, किसी और की कहानी पर फिल्म बनाने वाले हैं, तो पहले उससे परमिशन ली जाती है, उससे अनुमति ली जाती है। वो नहीं है, मान लीजिए वो कहीं बाहर है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके जो भी उसके जो परिवार के लोग हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनसे परमिशन ली जाती है, उनको जो उनका ड्यू रिगार्ड होता है वो किया जाता है। कोई अगर मान लो उनको कोई पैसे देने हैं, कोई उनका सम्मान करना है, किसी मंच पर बुलाना है, तो वो सब किया जाता है। रचना उसके बाद रचनाकार के पास आ गई, पटकथा लेखक के पास आ गई। अब वो उसका सूक्ष्म अध्ययन करेगा, उसको बहुत डीपली स्टडी करेगा, उसके अच्छे बुरे एंगल, किस तरीके से वो उसको कैमरे पर उतारेगा, उसमें क्या सीन होगा उस मौके पर जब ये डायलॉग बोले जाएंगे, क्या सीन होगा पर्टिकुलर इस मौके पर, कहानी के बैकग्राउंड क्या होगा, हीरो हीरोइन कौन होंगे, वो क्या क्या डायलॉग बोलेंगे, ये सब कुछ फिर वो लिखता है कैमरे और अध्ययन की दृष्टि से। फिर वो दिमाग में खाका तैयार करता है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करता है कि ऐसे करके हम इसको फिल्म की तरह से दिखा सकते हैं इस कहानी को। साथ ही कोई भी कहानी होती है उसमें बीच में आरोह अवरोह होते हैं, यानी कि ट्विस्ट होते हैं, किसी भी फिल्म में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारी फिल्मों की कहानी बेटा आपको सेम यही मिलेगी, कोई लड़की लड़का मिले, उनको प्यार हो गया, बीच में गलतफहमी हो गई, बिछड़ गए, बाद में गलतफहमी दूर हो गई, फिर से साथ हो गए, एंड हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन लड़का लड़की कैसे मिले, कहाँ मिले, उसके बाद कैसे उनके बीच में एक अच्छा संपर्क बना, फिर उनके बीच में जो गलतफहमी आई वो क्यों गलतफहमी आई, या उनका रिश्ता बीच में जो टूटा तो वो क्यों टूटा, फिर वो गलतफहमी कैसे दूर हुई और किस तरीके से वो साथ में आए, ये सारी की सारी चीज़ें, ये बीच की जो कहानियाँ होती हैं, ये केंद्र जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे उसमें डाले जाते हैं, जिससे हर फिल्म की कहानी अलग अलग होती है। एक सेंट्रल आइडिया होता है, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी फिल्म घूमेगी। मान लीजिए छपाक फिल्म अभी पीछे आई थी, उसमें एक एसिड अटैक को उन्होंने सेंट्रल आइडिया लेके चले थे, तो पूरी फिल्म में वो एसिड अटैक जो था वो ऑडियंस के दिमाग में बना रहता है कि इस चीज़ के ऊपर फिल्म है। आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, है ना, तो आपको पता होता है किस चीज़ के ऊपर बनी है ये फिल्म। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो आपको पता था कि 92 के कश्मीर के ऊपर बनी है, तो उसमें सेंट्रल विचार जो था कश्मीर इन 1992 था। ऐसी आइडिया प्रोसेस किया जाता है कि आइडिया प्रोसेस में पता चलता है कि कौन सा पात्र, कौन सा एक्टर कब क्या करेगा, क्या बोलेगा,
ये सारी की सारी चीज़ें पटकथा लेखन में ही लिख दी जाती हैं। संवाद लिखे जाते हैं, क्या दृश्य होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, क्या साज सज्जा होगी, मंच पर कौन कौन होगा, क्या क्या संवाद बोले जाएंगे, सब लिख दिया जाता है, शॉर्ट लिख दिए जाते हैं और कथा विन्यास भी कर दिया जाता है। कथा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, पूरा नाटक की तरह से ये सारे काम पटकथा लेखन की प्रक्रिया में होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद है पटकथा और लाइन अप सीन लेखन। लेखन कार्य पूरा हो जाने के बाद, जब लेखन का काम पूरा हो गया, अब लाइन अप सीन किया जाएगा, दृश्य क्रम बनाया जाएगा। वो कैसे होगा? शूटिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि पटकथा के क्रमानुसार नहीं होती। आपने पटकथा लिखी, उसमें शॉट वन, शॉट टू, शॉट थ्री, शॉट फोर, शॉट फाइव आपने लिख दिया, लेकिन वो जब शूटिंग होगी तो शॉट वन पहले, शॉट टू बाद में, उसके बाद शॉट थ्री, उसके बाद शॉट फोर, उसके बाद शॉट फाइव, ऐसे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। जिस लोकेशन पर पहुँचेंगे वहाँ के जितने भी शॉट्स हैं उन सबको एक साथ शूट कर लिया जाता है, फिर दूसरी लोकेशन पर जाते हैं वहाँ के जितने भी शॉट्स होते हैं उनको भी एक साथ शूट कर लिया जाता है, फिर सारे के सारे शॉट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तब उनको वापस उनके नंबर के हिसाब से मिला दिया जाता है, सीन नंबर, शॉट नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, इस तरह से तो पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बन जाती है। अब शूटिंग के बिंदु क्या क्या होते हैं, किन किन आधारों पर शूटिंग होती है, लोकेशन, अब कौन सी लोकेशन रहेगी, एक लोकेशन पर जितने भी शॉट होने वाले हैं सबको इकट्ठे कर लीजिए, पात्र संख्या, कितने पात्र होंगे लोकेशन पर, सेट पर कितने लोग होंगे, पात्र का नाम, उनका नाम क्या होगा, आउटडोर शूटिंग होगी या आउटडोर इंडोर शूटिंग होगी ये भी डिसाइड किया जाता है, और प्रकाश व्यवस्था क्या होगी, वहाँ पर रिंग लाइट लगाई जाएगी या डिम लाइट रहेगी या अंधेरा रहेगा या दिन के उजाले में उसको शूट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं और लिख भी ली जाती हैं। बेटे निष्कर्ष यही है कि दृश्य क्रम लेखन पटकथा लेखन का विशेष अंग है। दृश्य क्रम यानी कि जो भी शॉर्ट्स लिए हैं उनको सबको एक प्रॉपर सीरीज में लगाना भी एक बहुत ही विशेष अंग है पटकथा लेखन का। तो यहाँ पर बेटा हमारी पहली यूनिट ख़त्म हो गई है। पहली यूनिट थोड़ी लंबी थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गई। अब जितने भी यूनिट आएंगे थोड़ा कम कम टाइम लेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा यूनिट है आपका फीचर फिल्म, टीवी, धारावाहिक, कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री की पटकथा। तो फीचर फिल्म जो होती हैं बेटा, जिन्हें टीवी आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, कई बार टीवी पर, यूट्यूब पर भी देखते हैं, वो 2 से 3 घंटे की कहानी होती है और सिनेमा के बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है। जबकि जो धारावाहिक होता है उसमें कई एपिसोड होते हैं और छोटे पर्दे पर दिखाया जाता है। आधे घंटे का एक एपिसोड हो सकता है, एक का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, मतलब घर से लोगों ने देखना होता है उसको आमतौर पर। और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र की सूचना और दृश्यात्मक प्रस्तुति करती है। मतलब डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो आमतौर पर किसी इन्फॉर्मेशन को देती है, कोई ज्ञान देती है, कोई नॉलेज देती है। तो इनको हम एक बार देख लें, फिल्म, धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्री। फिल्म जो होती है मनोरंजन करती है, एक बार में आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, देख करके आ जाते हैं, मनोरंजन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप आके बताते हैं, फिल्म बिल्कुल बेकार थी, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। धारावाहिक आपके घर में टीवी रखा है, उसमें रोज़ आता है, आप देखते हैं, किसी दिन देखते हैं, किसी दिन मिस कर देते हैं, मिस करने के बाद आपको पता चलता है बीच की कुछ कहानी छूट गई, फिर आप उसको रिकैप में देखते हैं, उसके बाद आप उसको जोड़ते हैं वहाँ पर बीच में, कहानी के बीच में, और उसमें बहुत सारे एपिसोड होते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो होती है, डॉक्यूमेंट्री किसी भी चीज़ पर हो सकती है, कोई पॉलिटिकल कोई इशू चल रहा है उस पर आपकी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, कोई सामाजिक इशू है, कोई सांस्कृतिक इशू है, कोई भी हो सकता है, तो उस पर आपकी जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और लोगों तक उसके बारे में सूचना पहुंचा दी गई, दृश्यात्मक प्रस्तुति करी। मान लीजिए अभी जैसे दिल्ली में बाढ़ आएगी तो बाढ़ की डॉक्यूमेंट्रीज बना करके प्रेजेंट की गई जगह जगह, ताकि लोगों को पता चले कि बाढ़ क्यों आई है, कैसे आई है और बाढ़ से निबटना कैसे है, या आज की तारीख में बाढ़ का स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्री के थ्रू पता चले। यहाँ पर दृश्य माध्यमों की पटकथा। दृश्य माध्यम क्या होते हैं? धारावाहिक, सीरियल जिन्हें आप कहते हैं, फिल्म, नाटक, कहानी, इनकी पटकथा कैसे लिखी जाती है? साहित्यिक विधाएं होती हैं ये, उनमें से दृश्य जो होते हैं कहानी, उपन्यास, कविता और श्रव्य होते हैं नाटक, फिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र। कहानी है उसे आपने देख रहे हैं, आप कविता को आप सुन रहे हैं, नाटक, फिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र वगैरह को आपके टीवी पर दिखाई पड़ते हैं और सुनाई भी पड़ती है। यानी कि कहानी, उपन्यास, कविता जो यानी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि जो नाटक है, फिल्म है, धारावाहिक है, वृत्तचित्र ऐसे आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फिल्म में
कई कई रिटेक हो सकते हैं किसी शॉट के लिए, कोई शूटिंग हो रही है एक सीन के लिए कई कई रिटेक हो सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। उसको जब अगली बार देखने का मन है तो आप अपने आप निकाल के कोई रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सलमान खान को नचाएं, है ना, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं कई कई बार। लेकिन रंगमंच में क्या होता है, एक ही मौका मिलता है आपको, चैनल आपकी जो है, आपको जो स्टेज पर जाकर के आप करेंगे वही फुल एंड फाइनल होगा, उसमें आप कोई भी अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपने जाके स्टेज पर कर दिया वही फुल एंड फाइनल होता है, उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। अगली बार भी अगर आपको नाटक देखना है तो कहीं उसका मंचन हो रहा होगा, कहीं स्टेज पर उसको प्ले किया जा रहा होगा, आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा, आपको उसकी रिकॉर्डिंग पूरे स्टेज जो है रंगमंच की नहीं मिलती। तो फिल्म और रंगमंच में ये अंतर होता है। अब हम जानेंगे फ्रेम, शॉट, इन सब के बारे में, जो लैंग्वेज है शूटिंग की लैंग्वेज जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। फ्रेम क्या होता है, जो आपने फ़ोटो लिया अपना वो फ्रेम है बेटे, वो एक फ्रेम है। आप अपनी फ़ोटो देखिए कहीं भी, अपने फ़ोन में, आपके घर पर कहीं भी देखिए, वो एक फ्रेम है बेटा। अगर आपने फ़ोटो को मंडवा के रखा हुआ है, फ्रेम करा के रखा हुआ है, तो फ्रेम को छोड़ दीजिए, वो फ्रेम नहीं है आपकी फ़ोटो, अल्टीमेटली अपने आप में एक फ्रेम है। शूटिंग की लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई है वो दृश्य माध्यम, सबसे छोटी। बहुत सारी ऐसी स्टिल पिक्स को जोड़ करके एक मूविंग सीन क्रिएट किया जाता है। अगर किसी बच्चे ने आपने एनिमेशन कोई मूवी बनाई है तो आपको बेहतर पता होगा कि कैसे बनाई जाती है, तो उस तरीके से बहुत सारे फ़ोटोज़ को आपस में असेंबल किया जाता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। अब शॉट क्या होता है, एक शॉट वो होता है जिसे कि कैमरा एक बार में रिकॉर्ड करता है, बहुत सारे फ्रेम का पूरा सेट जो एक कैमरा ने एक बार में रिकॉर्ड कर लिया वो एक शॉट कहलाता है। बहुत सारे शॉट मिलकर के सीन बनाते हैं, सीन मिलकर सीक्वेंस बनाते हैं, और सीक्वेंस मिलकर के फिल्म बनाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है हमारी फ्रेम, फ्रेम मिलकर शॉट बनाते हैं, शॉट मिलकर सीन बनाते हैं, सीन मिलकर सीक्वेंस बनाते हैं, और सीक्वेंस मिलकर के कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म, कोई सीरियल बनाते हैं। तो इसको आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं, चाहें तो आप सीन शॉट लेकर रख सकते हैं, चाहें तो फ़ोटो खींच करके भी रख सकते हैं। कि दृश्य श्रव्य जो माध्यम होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेम, फ्रेम मिलकर शॉट बनाते हैं, शॉट मिलकर सीन बनाते हैं, सीन मिलकर के सीक्वेंस बनाते हैं, और सीक्वेंस मिलकर के कोई आख्यान बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वृत्तचित्र बनाते हैं, धारावाहिक बनाते हैं, नाटक बनाते हैं। अब पटकथा लेखक जो होता है उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रेम क्या है, शॉट क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीन क्या है, ये सब उसे पता होना चाहिए, तभी वो पटकथा लिख सकता है। पटकथा लेखक कहानी को शब्दों में ही नहीं लिखता खाली, उस दृश्यों में भी सोचता है, कहानी तो लिख ही रहा होता है साथ साथ वो से ये भी सोचते हुए चलना पड़ रहा होता है कि सीन में कैसी दिखाई पड़ेगी। जब इसको हम किसी जगह नाटक के तौर पर प्ले करेंगे तो हम बैकग्राउंड क्या होगा, डायलॉग क्या होंगे, उस जगह का डेकोरेशन क्या होगा, उस जगह पर हम क्या क्या चीज़ें स्टेज पर लगाएंगे डेकोरेशन के लिए, मंच सज्जा के लिए, ये सब भी उसको साथ के साथ ही सोचना होगा। पटकथा लेखन से पहले कहानी की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी जो पटकथा लेखक है वो जब लिखने जा रहा है पटकथा, उससे पहले उसको कहानी की पूरी रूपरेखा अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि कहानी किस चीज़ पर है, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है, वो सब चीज़ें उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो चाहे तो थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता होता है पटकथा लेखक, थोड़ी बहुत अपनी कल्पना डाल सकता होता है, लेकिन जो उसका जो कोर कंटेंट होता है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव वो नहीं कर सकता है। और किसी भी दृश्य श्रव्य माध्यम का पहला चरण होता है पटकथा लेखन, और अंतिम चरण होता है संपादन यानी कि एडिटिंग। पहला जो स्टेज होता है वो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, और लास्ट होता है एडिटिंग किसी भी फिल्म के निर्माण के दौरान। ये दो स्टेजेस होती हैं फर्स्ट एंड लास्ट। पटकथा लेखक को पूरे उपक्रम का जानकार होना चाहिए। अब जो पटकथा लेखक होता है उसे पूरे प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पर क्या सेटिंग होगी, क्या आपके सेट पर आएगा, क्या लाइटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, वो सब की सब चीज़ें पटकथा लेखक को पता होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का जानकार होना चाहिए, और भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए। जिस भाषा में कोई पटकथा लिखी जा रही है उस भाषा पर उसका पूरा कमांड होना चाहिए, वरना बेटा एक एक शब्द कई बार बड़ा ही अनर्थ कर देता है। रचनात्मक प्रयोगिक क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि जो आप उसको कंटेंट मिला है उसको वो क्रिएटिवली लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके। अब आगे है, ये हो गई हमारी पटकथा लेखक को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे है फीचर फिल्म की पटकथा। फीचर फिल्म की पटकथा में क्या क्या खासियत होती है, पहली बात 2 से 3 घंटे की होती है,
आमतौर पर शॉर्ट फिल्म भी होती हैं, लेकिन फीचर फिल्म जो होती है वो 2 से 3 घंटे की होती है सामान्य रूप से। कहानीकार फिल्मकार या किसी अन्य की भी हो सकती है, कहानी जो है वो फिल्मकार की भी हो सकती है, वो किसी और की भी कहानी ले सकता है, उस पर पटकथा लिख सकता है, कहानी को उसको फिल्म बना सकता है। दृश्यों की बिंबों की लंबी श्रृंखला होती है, बहुत सारे दृश्य होते हैं, उनके इमेजेस बनाए जाते हैं, उनको साथ में कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे जो है शॉर्ट होते हैं इनको असेंबल किया जाता है। शब्द और ध्वनियाँ, फिल्म की जो पटकथा होती है उसमें शब्द क्या इस्तेमाल होंगे, ध्वनियाँ क्या इस्तेमाल होंगी, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर रख ली जाती हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बातें क्या क्या होती हैं, केंद्रीय विचार जो सेंट्रल आइडिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ऐसा ना हो कि किसी डाकू की आप कहानी लिख रही हैं, आपको उसके बारे में बताना है और बताते बताते कहीं आप डाकू के लिए लोगों के मन में एक हमदर्दी पैदा कर गए, तो केंद्रीय विचार ख़त्म हो गया। जिसको डाकू कहा गया है, जिसके बारे में ऐप बताए गए हैं, जिसके उसके बारे में दुनिया कह रही है ये तो ऐप ही है, ये तो डाकू है, और आपने उसके बारे में पटकथा ऐसे लिख दी, थोड़ी सी आपने किसी से कहानी ले ली और थोड़ी सी आपने अपनी कल्पना जोड़ ली और आपने ऐसी कुछ कहानी लिख दी जिसमें कहीं ना कहीं वो तो भाई हीरो बन गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, कभी भी पटकथा लिखते टाइम हमेशा ही थोड़ा सा लॉयल रहना है, ताकि मूल तत्व जो है पटकथा का वो ना गायब। दूसरी बात, कहानी की रूपरेखा, कहानी की रूपरेखा भी बिल्कुल पहले से पता होगी, कहानी का विकास कैसे होगा, इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, फर्स्ट सीन क्या होगा, किस तरीके से उसको हम शूट करेंगे, फिर कैसे कैसे कहानी बढ़ेगी, साथ में लोगों में उत्सुकता कैसे जगाई जाए, लोगों के अंदर क्यूरियसिटी कैसे जगाई जाए कि लोग पूरी कहानी देखें, बीच में कोई छोड़ के ना भाग जाए, थ्रिल रहना चाहिए। CID जैसे जो प्रोग्राम होते हैं आपने देखा होगा, उसमें कैसे थ्रिल बना रहता है, लोग रहते हैं अरे अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप उसमें कोई वैज्ञानिक कोई तथ्य डालना चाहते हैं तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दर्शक हैं उनकी संतुष्टि होनी चाहिए फिल्म को देखने के बाद, ऐसा ना हो कि वो संतुष्टि ना हो कहें अरे ये तो क्या बना दिया, हमने तो ये अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कहानी के आंतरिक तत्व क्या क्या होते हैं, किसी कहानी में इंटरनल चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कोई भी फिल्म होती है उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है, उनका झगड़ा होता है, उनका प्यार होता है, आखिर में अल्टीमेटली वो हैप्पीली मैरिड बन जाते हैं, लेकिन पूरी कहानी के बीच में कहीं पर टकराव भी होने जरूरी होते हैं। अगर मुद्दे मान लीजिए कोई लड़का मिला लड़की मिली, दोनों को प्यार हो गया आपस में, कोई उनको ऐसा कोई किसी को मनाना ही नहीं पड़ा, बड़े स्मूथली उनकी जो है चलो एक एक्सेप्टेंस हो गया, बड़ी जल्दी वो रिलेशनशिप में आ गए, फिर उनकी शादी हो गई, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट आएगा क्या, कोई मजा आएगा क्या इस कहानी में? देखो रियल लाइफ में तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर कोई ऐसा होता है कोई किसी को पसंद करे और उसे वो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिल्म में अगर आप फिल्म देखने के लिए बैठे हैं तब आप इतनी इजी रिलेशनशिप को कहीं भी देखना नहीं चाहते हैं, वो आपके लिए वो कहानी नहीं होती है, एक्चुअली वो कोई कहानी ही नहीं है जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, जिसमें कोई टकराव नहीं है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, जिसमें कोई तनाव नहीं है। तो कहानी में तनाव होते हैं, टकराव होते हैं, संघर्ष होते हैं, अच्छी खराब घटनाएँ होती हैं, ट्विस्ट होती हैं जगह जगह पर, एक हैप्पी या सैड एंडिंग होती है, एक इंट्रोडक्टरी एक जो है एक बड़ा ही जो है एक कैची सा इंट्रोडक्शन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। कहानी के पात्र मुख्य पात्र होते हैं और गौड़ पात्र होते हैं, उनकी भाषा वेशभूषा हाव भाव इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कहानी के आंतरिक तत्वों के दौरान स्थिर चरित्र को जो होते हैं जो भी कैरेक्टर हैं उनकी भाषा पर ध्यान देना होता है, भाषा उनकी उनके करेक्टर के अनुकूल ही हो, उनकी वेशभूषा देखिए आपने देखा होगा बालिका वधू अगर देखा था आपने तो उसमें जो दादी बनी थी लड़की की, मुझे नाम नहीं उसका याद है बच्ची का, जो दादी बनी थी वो तो बिल्कुल नेचुरल लगती थी, लेकिन जो लड़की की माँ बनी थी जब वो राजस्थानी एक्सेंट में बोलती थी तो उसका वो राजस्थानी एक्सेंट उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं वो उतना अच्छे से वो सूट नहीं कर पाता था उसको, तो उनकी भाषा जो थी वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर से मैच नहीं हो रही थी, तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता था। वेशभूषा परफेक्ट होती है तो बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, उसमें वेशभूषा परफेक्ट थी तो बहुत सी लोगों की नज़र में वो आया ही नहीं। करेक्टर है वो जिस चीज़ का रोल कर, कोई झांसी की रानी का रोल कर रहा है तो उसको उसी हिसाब से गेटअप लेना पड़ेगा, उसी हिसाब की वेशभूषा पहननी पड़ेगी। हाव भाव जो भी आपका पात्र है उसके हाव भाव सीन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कोई खुश होने का आपका सीन है तो उसमें खुश दिखना चाहिए, कोई दुखी होने का भाव है तो वहाँ पर दुखी दिखना चाहिए। स्थिर चरित्र होना चाहिए, जो आपके करेक्टर हैं चाहे एक्टर हैं चाहे विलेन हैं उनका करेक्टर स्टिल होना चाहिए, अगर वो अच्छे दिखाए जा रहे हैं तो अच्छे ही होने चाहिए थ्रू आउट फिल्म, खराब दिखाए जा रहे हैं तो थ्रू आउट खराब ही होनी चाहिए, ग्रे दिखाए जा रहे हैं तो ग्रे ही होनी चाहिए, अगर उनमें कोई बदलाव आ रहा है
ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव आ सकता है बिल्कुल, इंसान भी बदल जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ किसी करेक्टर के साथ हो रहा है तो उसमें वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके लिए कोई सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए कि इंसान क्यों चेंज हुआ। जैसे कि कोई एक फिल्म थी, मैं भूल रही हूँ, वो बड़ी सीधी सादी सी महिला, जैसे बैंडेड क्वीन फिल्म जो थी उसमें दिखाया गया था कि लड़की थी बड़ी भोली भाली सी, उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ कि वो डाकू बन गए। उतनी भोली भाली लड़की को थ्रू आउट फिल्म वो भोली भाली नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि एक तो वो एक तरीके से जो है जीवनी पर आधारित फिल्म थी, और दूसरा उसमें जो थी वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हुई थी, तर्कपूर्ण बदलाव। हर पात्र साथ में भिन्न होना चाहिए बेटे। अगर आपने एक जैसे ही दो चार पात्र किसी फिल्म में डाल दिए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये काम किसने किया है ना। तो हर करेक्टर की अपनी अलग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपने फिल्में अगर पुरानी देखी हो तो गोविंदा के साथ में शक्ति कपूर का एक बिल्कुल ही अलग ही करेक्टर हुआ करता था। तो उस तरीके से हर करेक्टर का अपना एक अलग गेटअप होना चाहिए, अलग उसकी इमेज होनी चाहिए थ्रू आउट फिल्म, थ्रू आउट सीरियल। देश का, जिस देश में कोई सीरियल या फिल्म बन रहा है वहाँ की अनुकूल भाषा होनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोग देख सके। जो आपकी ऑडियंस है उसे ही अगर आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी तो उसके साथ कनेक्ट क्यों करेगी, उसे क्यों देखेगी। वेशभूषा उसी तरह की होनी चाहिए जहाँ के लिए वो फिल्म बन रही है। आचरण उसी तरह का होना चाहिए जैसा कि होना चाहिए उस कैरेक्टर का। अगर मान लीजिए आप अब से 500 साल पुराने किसी राजा की कहानी बना रहे हैं तो उसे आप जीन्स और ट्राउज़र पहना के राजा नहीं दिखाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और साथ में वैल्यूज़। तो हीरो है कुछ वैल्यूज़ दे करके जाए, हीरोइन है कुछ वैल्यूज़ दे करके जाए सोसाइटी को, अपनी ऑडियंस को। विलेन है वो कोई सबक दे करके जाए कि ऐसा नहीं करना है अल्टीमेटली, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। साथ में माहौल, माहौल जो है वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। फिल्म का माहौल, सीरियल का माहौल तर्कपूर्ण होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लॉजिकली कुछ भी ढूंसे जा रहे हैं। ध्वनि द्वारा संयोजन होना चाहिए, जो साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं वो होने चाहिए, और बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक होने चाहिए, दोनों चीज़ें, जिनसे कि किसी भी सीरियल में एक ऑरा बनता है कि हाँ ये दुख का माहौल है या खुशी का माहौल है। इंटरवल का बिंदु, किसी भी फिल्म में इंटरवल कहाँ पर हो वो बड़ा ही ध्यान रख के करना पड़ता है, किस पॉइंट पर हम इंटरवल देंगे, उसे बीच में रखना होता है फिल्म के, ताकि जो ऑडियंस है वो आधी फिल्म देख करके घर वापस ना भाग जाए। उन्हें पता चलना चाहिए कि आगे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आगे क्या हुआ होगा, ताकि वो पूरी फिल्म देखने के लिए रुकें। फिल्म देखने के लिए रुकेंगे तो उनको भूख भी लगेगी, फिर उनको पॉपकॉर्न भी चाहिए, उनको पेप्सी भी चाहिए, तो पूरी फिल्म देख करके जाए। इसलिए इंटरवल का विधु ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर एक इच्छा रहे आगे क्या हुआ, क्या होगा आगे। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक वो फिल्म देखने के लिए रुकेंगे नहीं, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। अब टीवी धारावाहिक की पटकथा लिखते टाइम, जैसे हमने देखा फीचर फिल्म की धारावाहिक लिखते, जो किसी फिल्म की पटकथा लिखते टाइम जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उन सबको तो ध्यान रखना ही होता है बेटा। टीवी धारावाहिक की पटकथा लिखते टाइम जो चीज़ें अभी अभी हम पढ़ के आए, उन सबको तो ध्यान रखना ही होता है। उनके अलावा थोड़ी सी चीज़ें और हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। फीचर फिल्म वाली सारी की सारी बातें होती हैं, उनके अलावा दूरी से फिल्माए गए सीन कम। टीवी के लिए जब आप धारावाहिक के लिए कोई पटकथा लिख रही हैं तो उसमें दूर से फिल्माए गए, दूर से शूट किए गए दृश्य कम होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही टीवी का आपका स्क्रीन छोटा सा होता है सिनेमा के पर्दे के मुकाबले, और ऊपर से अगर आपने दूर से दृश्य फिल्मा लिया तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है उसको तो दिखेगा ही नहीं। और साथ ही एक दृश्य में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि छोटा पर्दा है, एक बार में बहुत ज़्यादा करेक्टर्स एक सीन में दिखाई ना पड़े, इन बातों का भी उसके साथ साथ ध्यान रखना। किसी भी धारावाहिक में दो तरह के यहाँ पे धारावाहिक होते हैं बेटे, एक तो होता है जिसमें कथा बढ़ती रहती है, नए प्रसंग जुड़ते जाते हैं, कथा बढ़ती जा रही है, नए नए करेक्टर जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने बालिका वधू में देखा था, जैसे कि हमने कसौटी जिंदगी में देखा था, है ना। और भी उस टाइम बहुत सारे सीरियल आ रहे थे जब मैं देखा करती थी, अब मैंने बहुत टाइम से टीवी देखना बंद किया हुआ, तो मुझे अब रिसेंटली क्या क्या चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो कथा चलती जाती है, उसमें नए नए करेक्टर जुड़ते जाते हैं, एक तो ये होता है। और दूसरा होता है करेक्टर वही रहते हैं, दो तीन चार पांच करेक्टर सेम रहते हैं, दो चार करेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं और हर बार नई कहानी आ जाती है। जैसे कि सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत, ये लोग सेम ही रहते हैं, बाकी जो जिनकी घटना चल रही होती है वो सब के सब चेंज होते जाते हैं, चार छह लोग, और हर बार नई कहानी आ जाती है। कई बार ऐसे सीरियल भी होते हैं जिनमें दो तीन एपिसोड के बाद नई कहानी आ जाती है। तो ये होते हैं धारावाहिक दो तरह। अब धारावाहिक कैसे कैसे हो सकते हैं, धारावाहिक पर आपका क्वेश्चन बन सकता है बेटे। धारावाहिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं जिनमें परिवार की कहानी दिखाई गई हो,
धारावाहिक देखे परिवार के साथ ही जाते हैं, उसमें आप कहीं भी कंफ्यूज मत होना, धारावाहिक परिवार के साथ ही देखे जाते हैं। अब उनकी कहानी कैसी हो सकती है? पारिवारिक कहानी हो सकती है, सामाजिक कहानी हो सकती है, जीवनी परक कहानी हो सकती है, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कहीं अकबर सीरियल आ रहा है, शायद मैंने कहीं देखा था। ऐतिहासिक हो सकती है, ऐतिहासिक में भी वही चीज़ आ जाती है। धार्मिक हो सकती है, रामायण आ रहा है, महाभारत आ रहा है। जासूसी हो सकती है, जैसे कि हमने अभी पीछे से अभी बात की थी, CID की बात की थी, उसमें कहीं कहीं जासूसी की चीज़ भी आ जाती है। हास्य परक हो सकती है कहानी धारावाहिक की, जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कपिल शर्मा शो शायद अभी भी आता है। और आपराधिक हो सकती है, आपराधिक में आपका फिर से वही CID जो है वो आ जाता है, क्योंकि अपराधों को पकड़ते हैं, ढूंढ निकालते हैं। तो धारावाहिक इतने प्रकार के हो सकते हैं। पटकथा लेखन में एक तो केंद्रीय विचार का बहुत महत्व होता है, सेंट्रल आइडिया जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। उसमें धारावाहिक में उसके आख्यान उसके अनुरूप होने चाहिए, उसके जो सीरियल के जो एपिसोड हैं वो सेंट्रल आइडिया के ही इर्द गिर्द होने चाहिए। जैसे कि बालिका वधु आता था तो जितने भी उसके एपिसोड आते थे उनके सेंटर में कहीं ना कहीं जो बच्ची थी वो आनंदी हुआ करती थी, उसी के इर्द गिर्द किसी न किसी तरीके से कहानी उससे कनेक्ट कर दी जाया करती थी। आख्यान के साथ पूरे सीरियल की स्टोरी का तारतम्य, पूरी जो भी सीरियल का एपिसोड आप देख रहे हैं उसके साथ पूरी स्टोरी का प्रॉपर लिंक होना चाहिए। कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहानी से बेमेल लगे। पात्रों का परिचय भी कहानी के साथ साथ मिलते रहना चाहिए, जो परिचय है वो कहानी के जो पात्र सामने आ चुके हैं वही नए पात्रों का परिचय कराते चले जाएं साथ, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अलग नहीं होने चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, और ऐसे मोड़ पर आकर के एक दिन का एपिसोड रुकना चाहिए ताकि उत्सुकता बढ़े। वही इंटरवल वाली चीज़ आकर यहाँ पर, फिल्म का इंटरवल और कहानी का आपके सीरियल का एपिसोड ऐसी जगह पर होना चाहिए ताकि आगे देखने के लिए लोग क्यूरियस रहें कि आगे अब क्या होगा, लोग देखें उसको रुक करके। ऐसे मोड़ पर आपको एपिसोड ख़त्म करना चाहिए। आप देखते भी हैं कई बार एपिसोड आपका ऐसी जगह ख़त्म होता है सीरियल का कि आप लोग बेचैन हो जाते हैं, ये कहाँ ख़त्म कर दिया। अगले दिन के लिए आप 5 मिनट पहले से TV खोल के बैठते हैं। साथ में प्रभावित करें, अगर आपको प्रभावित नहीं करेगा सीरियल की पटकथा आपको प्रभावित नहीं करेगी तो आप उसे बीच में ही देखना बंद कर देंगे, आप पूरा सीरियल नहीं देखेंगे। साथ में अभिनय अच्छा होना चाहिए, अगर किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। संवाद अच्छे होने चाहिए, संवाद अगर अच्छे नहीं होंगे तो तब भी आपको पसंद नहीं आएगा। उनकी वेशभूषा भी ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको ऑडियंस को स्वीकार्य हो, पसंद आए, और संगीत भी उसके अंदर हो सकता है। आजकल सीरियल्स में भी काफ़ी संगीत होता है, वो संगीत भी ऐसा हो कि जो लिंक्ड हो, उनसे रिलेटेड हो, बेवजह संगीत ठूंसा नहीं जाना चाहिए। तो ये थी धारावाहिक की पटकथा। अब किसी कहानी की पटकथा कैसे लिखी जाती है, कहानी की भी बेटे पटकथा लिखी जाती है, तो साहित्यिक रचना है उस पर फिल्म निर्माण किया गया है। मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी पर पटकथा लिखी जा रही है, जैसे 3 Idiots थी, परिणीता थी, देवदास थी, तमस थी, इन सब के ऊपर जैसे फिल्में बनी हैं, इन कहानियों के ऊपर, तो इनकी पटकथा कैसे लिखी गई? पहले कहानी लेखन हुआ, फिर फिल्म बनी। कहानी को तो आपने पढ़ लिया, कह लिया, और फिल्म को आपने देखा भी और सुना भी, क्योंकि वो दृश्य माध्यम। तो कहानी को पटकथा में कैसे बदला जाता है? केंद्रीय विचार होता है उसका, केंद्रीय विचार को रखा जाता है, उसके हिसाब से फ्रेमवर्क तैयार किए जाते हैं, उसके हिसाब से फिर बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, पात्र तैयार किए जाते हैं, पात्रों के संवाद लिखे जाते हैं, और इस हिसाब से उसकी पटकथा पूरी लिखी जाती है। उनके क्या फेस एक्सप्रेशन होंगे, क्या उनकी वेशभूषा होगी, एक बार में कितने लोग स्टेज पर आएंगे शूटिंग के लिए, ये सब की सब चीज़ें पहले से ही फिक्स कर ली जाती हैं। अब डॉक्यूमेंट्री की पटकथा, जिसे वृत्तचित्र भी कहते हैं बेटे, उसकी पटकथा कैसे लिखी जाती है? पहली बात तो ये गैर कथात्मक विधा होती है आमतौर पर, इसमें कोई कहानी नहीं होती है कि आप पटकथा लिखेंगे, एक्टिंग नहीं होती है। कई बार आपको सूचना दी जाती है, उद्देश्य होता है आपके पास तक शिक्षा पहुंचाना, आपको ज्ञानवान बनाना, ज्ञान देना, इसका मकसद होता है। और इनके मुद्दे कौन कौन से होते हैं, इनके सेंट्रल आइडिया क्या क्या हो सकते हैं? आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, जीवनी परक हो सकते हैं, समस्या परक हो सकते हैं। हाँ, आर्थिक का मतलब है किसी जगह की आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई देश बहुत गरीब है तो क्यों गरीब है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दी। सामाजिक, किसी समाज में मान लीजिए कोई घूंघट प्रथा चल रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, कोई बुरका प्रथा चल रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन गई। कोई राजनीतिक हो सकती है, कोई राजनीतिक हलचल हुई है वो क्यों हुई है, उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उस पर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। सांस्कृतिक, किसी जगह का क्या कल्चर है, वहाँ के क्या त्यौहार हैं, क्या नृत्य हैं, उस पर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी तो सांस्कृतिक डॉक्यूमेंट्री बन गई। जीवनी परक, किसी व्यक्ति के बारे में आपने उसकी जीवनी के बारे में बताते हुए अगर आपने कोई फिल्म बनाई है तो वो आपकी जीवनी परक आपकी डॉक्यूमेंट्री हो गई।
और समस्या परक जिसमें आपने कोई प्रॉब्लम उठाई है, कोई सोशल इशू हो सकता है, कोई नेशनल इशू हो सकता है, उसको आपने जब समस्या को उठाया है हल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री में, तो वो समस्या परक आपकी डॉक्यूमेंट्री। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री की पटकथा लिखने वाले के पास इस डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसने सफिशिएंट रिसर्च कर लिया होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले, उसकी पटकथा लिखने से पहले। साथ में उसके पास जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी उस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी की सारी सही होना बहुत ज़रूरी होता है। मे बी टाइम के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों तो उसको अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, और सबको चीज़ों को ठीक करके तब डॉक्यूमेंट्री में बताना पड़ेगा। अब वृत्तचित्र और धारावाहिक में क्या अंतर होता है? वृत्तचित्र जो होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं आमतौर पर, और धारावाहिक जो होते हैं वो कल्पना पर आधारित होते हैं। उद्देश्य वृत्तचित्र का होता है ज्ञान देना, सूचना देना, जबकि धारावाहिक का उद्देश्य होता है आपका मनोरंजन करना। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए या जो आपका जो ये होता है वृत्तचित्र जो होता है, उसके लिए पटकथा पहले से नहीं लिखी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देनी है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है और उसको ही असेंबल किया जाता है। फिर वृत्तचित्र की रूपरेखा तैयार की जाती है, वृत्तचित्र की रूपरेखा तैयार की जाती है। उसमें दृश्य, पार्श्व संगीत यानी कि सीन में क्या रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रहेगा, इमेजेस क्या रहेंगी, लिस्ट क्या होगी और डेकोरेशन क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें पटकथा में लिखी जाती हैं। और साथ में जो वर्ड्स होते हैं और जो संवाद होते हैं, डायलॉग जो होते हैं, उनको लिख लिया जाता है इस पटकथा में। अब डॉक्यूड्रामा क्या होता है? एक शब्द और आया है बेटा आपके सिलेबस में, डॉक्यूड्रामा। कोई डॉक्यूमेंट्री है उसमें आपने छोटा सा कोई छोटा सा नाटक डाल दिया, कोई छोटा सा ड्रामा डाल दिया। वो ड्रामा कई बार ऐसा होता है, कोई इंटरव्यू लेने वाला किसी के इंटरव्यू ले रहा है, कोई दो दोस्त बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, या कोई घटना है जिसको आप फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं, तो ये ड्रामा हो जाता है। तो इसे डॉक्यूड्रामा कहा जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट्री के बीच में ड्रामा होता है। इसके लिए आजकल एनिमेशन का भी बेटा इस्तेमाल किया जाता है, एनिमेशन भी ड्रामा कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री के बीच में, तो इसे डॉक्यूड्रामा कहते हैं। ये आपकी दूसरी यूनिट कम्प्लीट हो गई बेटे, दो यूनिट कम्प्लीट हो गई हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा तीसरी और चौथी यूनिट आपकी बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं, इसलिए अब आप टेंशन ना लें, बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म हुआ जाता है। संवाद लेखन, संरचना और सिद्धांत। संवाद मनुष्य जीवन का मूल सेतु, हमारे जीवन का मूल सेतु क्या है, पुल, ब्रिज क्या है, हमारे संवाद। मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ या आप जो मुझे अपना रिस्पॉन्स देंगे, ये एक सेतु ही तो है हम दोनों के बीच में, तो उसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। यही समाज का केंद्र भी है, इसी के ज़रिए हम लोग समाज में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, कि हम एक दूसरे को किसी भी तरीके से मैसेज कर पा रहे हैं, कोई संदेश भेज पा रहे हैं, बोलकर या ना बोल करके भी, कई बार हम लिख करके या बिना बोले भी हम संवाद भेज रहे होते हैं अपने। कोई देश है उनमें झगड़ा हुआ, उनके बीच में अगर शांति प्रक्रिया चलानी है तो संवाद करना पड़ेगा, वो दोनों देश के लोग बैठेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, बातचीत करके बीच का कोई हल निकालेंगे। कोई व्यापारी है, उसको भी कहीं व्यापारिक संबंध बढ़ाने हैं, बिजनेस डील्स लेनी है, चाहिए, उसको तो जाके उसे संवाद करना पड़ेगा। कोई आपको दुकान से जाकर के, अगर मान लीजिए कोई आपको कोल्ड ड्रिंक भी लेके आनी है, चॉकलेट भी लेके आनी है, तो आपको जाकर के उससे संवाद करना पड़ेगा, है ना। तो संवाद लिखने के लिए भी बेटे आपके पेपर में आ सकता है कि दो लोगों का संवाद लिखिए, ऐसे भी आपका आ सकता है, इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। और संवाद जो होता है वही केंद्र होता है किसी भी समाज की, जो शांति प्रक्रियाएं होती हैं या व्यापार के संबंध होते हैं या मित्रता के संबंध होते हैं, माता पिता के संबंध हैं, भाइयों के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, सभी जगह संवाद एक केंद्र होता है उन सबका। संवाद से ही रिश्ते बने रहते हैं। अब संवाद क्या होता है, संवाद क्या है, इस पर भी आपका प्रश्न आ सकता है बेटे। दो व्यक्ति संवाद के हिस्से होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत संवाद होती है, उसकी लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। दोनों ही व्यक्ति बोलते हैं और दोनों ही व्यक्ति सुनते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अपनी अपनी बारी आने पर। जब बोलने वाला व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, जब दूसरा व्यक्ति सुनता है तो बोलता है तो पहला वाला सुनता है। दोनों एक ही प्रसंग पर बात करते हैं, किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं दोनों के दोनों ही। ऐसा नहीं होगा कि पहला किसी और चीज़ के बारे में बात करे और दूसरा किसी और चीज़ के बारे में बात करे, दोनों ही किसी एक ही चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, उसे ही संप्रेषण पूर्ण माना जाता है। समाज के अनुरूप होना चाहिए, साथ में समाज जो है उसी के अनुरूप संवाद होता है और देश के अनुरूप संवाद होता है। जिस देश में कोई व्यक्ति रह रहा है उसी के हिसाब से उसका संवाद होगा, जिस समय में बात हो रही है उसी समय के हिसाब से भाषा होगी, जो वातावरण है, शहर है, गाँव है, जंगल है, उसी हिसाब से उसकी भाषा होगी।
और वक्ता और श्रोता दोनों ही संवाद में महत्वपूर्ण होते हैं। ये चीज़ें आपको संवाद में ध्यान रखनी है। संवाद की चार स्थितियाँ होती हैं बेटा। संवाद का अगर आप पता तो पूरा का पूरा लिखोगे बेटे आप। संवाद में चार आवश्यक स्थितियाँ होती हैं। उद्भावक, जो कि किसी कथा का नायक होता है, कथा सूत्र का नायक होता है, जिसे सब कुछ पता होता है, वो है उद्भावक। सब कुछ जानता है वो किसी भी घटना के बारे में, उसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। एक होता है सूचना वाहक, उसको उद्भावक ने कुछ चीज़ें बता दी, सारी नहीं बताई, कुछ मसाला अपने पास रख लिया, कुछ चीज़ें बता दी सूचना वाहक को। वो सूचना वाहक जो है वो जाएगा बाहर जाके सबको बताएगा। वो कोई मीडियाकर्मी हो सकता है, कोई अनुवादक हो सकता है, वो कोई हमारा दोस्त भी हो सकता है जिसको सबको चुगली करने की आदत है, वो सूचना वाहक हो। तीसरा होता है नियंत्रण करता, जो कि उस संदेश को कंट्रोल करता है। भाई रुक जाओ, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, या पहले पता तो कर लो हमें इस बात को, किसे बताना है, किसे नहीं बताना है, हमने किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। दोस्तों के रूप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है, भाई उसको नहीं बताना, उसको बुरा लग जाएगा, उसके बारे में किसी ने ऐसी बात कही उसको नहीं बताना, उसको बुरा लग जाएगा। तो बंदा हो गया नियंत्रण करता, कंट्रोल करने वाला, भाई जिसे बुरा लगेगा उसको बात बताने की ज़रूरत नहीं है, हो गया नियंत्रण करता। और चौथा होता है ग्रहण करता, जो ग्रहण कर रहा है संदेश को, जो सुन रहा है, जो संदेश है उसको एक पहुंचा रहा है, दूसरा कंट्रोल कर रहा है, और तीसरा सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। पहला था उद्भावक। तो ये चार स्थितियाँ होती हैं संवाद में, पहला उद्भावक, दूसरा सूचना वाहक, तीसरा नियंत्रण करता, और चौथा ग्रहण करता। चारों की मैंने आपको भूमिकाएँ बता दी हैं क्या होती हैं। तो ये हो गए संवाद में आवश्यक स्थितियाँ। इसके बाद है संवाद का कार्य। संवाद क्या क्या काम करता है? किसी कथा वस्तु को खोलता है, ओपनिंग करता है, उसकी इंट्रोडक्शन देता है, कथा वस्तु की शुरुआत करता है। उसके बाद क्या होता है संवाद में, अगले संवाद की परिकल्पना वहीं से सुनने वाले के मन में शुरू हो जाती है। मैं आपकी कोई बात सुन रही हूँ, मेरे मन में उसका जवाब तैयार हो रहा है, मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं ये बात बोलूँगी इसके जवाब में, अगला संवाद शुरू हो गया। फिर चरित्रों की आदतों का पता चलता है संवाद से। जो भी आप संवाद दे रहे हैं किसी नाटक में, सीरियल में, कहानी में, डॉक्यूमेंट्री में, उसे जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं उसमें, जो एक्टर्स हैं, उनकी आदतों के बारे में पता चलता है, उनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है संवाद के जरिए से। परिवेश का उद्घाटन होता है, ये क्या माहौल है, क्या स्थिति है, उसका पता चलता है संवादों के जरिए। तो ये सारे के सारे संवाद के काम होते हैं। साथ में चरित्रों का क्रमिक विकास होता है, जो कैरेक्टर होते हैं उनका धीरे धीरे विकास होता है संवादों के जरिए। उनका संघर्ष, उनके परिवर्तन, सब कुछ हमें संवाद से पता चलता है। जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें संवाद से पता चलता है। दृश्य कई बार जो होते हैं वो बहुत सी चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, पीछे से कोई आवाज़ आती है या कुछ लिखा हुआ आता है, वो लिखा हुआ भी है, वो भी लिखे संवाद है बेटे, केवल कोई बोल के ही नहीं बताएगा, किसी ने लिख के भी बता दिया तो वो संवाद है। आपने कोई सीन देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ का सीन है, उसमें बीच में पीछे से किसी की आवाज़ आ गई, या कहीं से लिखा हुआ कोई कोट आ गया कि ये उस जगह का दृश्य है, ये संवाद आपका पूरा हो गया, दृश्य पूरा हो गया। तो दृश्य को पूरा करने का काम भी संवाद करते हैं। साथ में देश काल समाज का परिचय, किस देश की घटना है, किस समय की घटना है, किस समाज की घटना है, ये भी हमें संवाद ही बताती है। साथ में भाषाई वैशिष्ट्य, भाषा का वैशिष्ट्य होता है उनके अंदर, जिसके पास संवाद पहुंचता है उसी की भाषा में होता है, हमारी भाषा में संवाद हम तक पहुंचता है, हमें यहाँ पूरी तरह से उसके बारे में कन्विंस करता है। और साथ में विशेष पात्र की शैली का प्रस्तुतिकरण होता है। कोई भी पात्र जो है, कई बार हर किसी का अपने संवाद बोलने का, अपने डायलॉग बोलने का अपना एक अलग स्टाइल होता है, तो उस चीज़ को भी ये कई बार फिक्स करते हैं डायलॉग। जैसे कितने आदमी के सुनते ही हमें अमजद खान की याद आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक विशेष पात्र की शैली का प्रस्तुतिकरण करता है कि ये डायलॉग जो है उन्होंने किस स्टाइल में बोला, वो स्टाइल को एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है। अब संवाद जो है वो विषय वस्तु के अनुसार होने चाहिए, ठीक है, जो कंटेंट है उसके हिसाब से संवाद होने चाहिए। संवाद विषय वस्तु के अनुसार नहीं थे तभी तो आदि पुरुष को इतनी चुगलियाँ मिली लोगों की, इतनी तभी तो इतनी शिकायतें मिली, ये क्या कर डाला। विषय वस्तु थी रामायण की, उसमें कह रहे हैं कि लंका तेरे बाप की, हनुमान जी बाप बोल रहे थे फिल्म में, तो लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया। तो विषय वस्तु के अनुसार ही संवाद होनी चाहिए। ऐतिहासिक कथा है तो उसके लिए भाषा भी ऐतिहासिक ही होनी चाहिए। जैसे हम जब महाभारत देखते थे तो उसमें हम सुनते थे माताश्री पिताश्री, ऐसे शब्द हम लोग सुना करते थे, मैं समय हूँ, इस टाइम
आता था उसमें मैं समय हूँ, उस समय को जब हम सुनते थे तो हमें ये लगता था कि हाँ वाकई मैं समय ही बोल रहा हूँ। हमारे दिमाग में कहीं से कहीं तक ये बात आती ही नहीं थी कि समय कैसे बोलने लगा। उस जब आता था एकदम से कि मैं समय हूँ, महाभारत में स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, तो हमें यही लगता था कि यार समय बात कर रहा है, समय हमें कोई चीज़ बता रहा है। समय ने देखा है चीज़ों को, कैसे कैसे युद्ध हुए, कैसे कैसे विनाश हुए, कैसे दोबारा चीज़ें बसी, तो ये हमें बताने वाला है, अब हम इसको सुनेंगे। तो समय है, समय अपने हिसाब से बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है, वो उसी हिसाब से भाषा इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें लेकिन हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब उसकी भाषा जो है, हम एक समय के जो संवाद है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो शब्द बार बार बोले जा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम उस भाषा को समझ रहे हैं, ऐतिहासिक भाषा। जब दृश्य बोल रहा है तो संवाद कम हो जाए, कोई कोई दृश्य ऐसा होता है अपने आप में ही बोल रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें कोई आर्मी का पर्सनल था, वो जब उसको नींद आ रही है, उसके बराबर में एक लेडी बैठी हुई है, उसके बराबर में शायद कोई उसका हस्बैंड या कोई फ्रेंड है, तो उसको झपकी आ रही है तो सरक करके उसके पास हो जाती है और जो आर्मी पर्सनल है उसके कंधे पर सिर रख लेता है। अब इसमें कहीं डायलॉग की गुंजाइश बची नहीं कि वो कहेगी कुछ, वो नहीं ज़रूरत है, वो दृश्य नहीं सब कुछ बोल दिया है ना, तो वहाँ संवाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जहाँ दृश्य बोल रहा हो वहाँ संवाद कम होते हैं या कई बार नहीं भी होते। छोटे संवाद ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपके सामने किसी सीरियल में, किसी फिल्म में कोई बहुत लंबा डायलॉग बोल रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे भाई इसका डायलॉग कब ख़त्म होगा। जबकि आपको अगर उससे जो है क्या कि इम्प्रेस होना होगा तो आप जरा सी बात में हो जाएंगे, मेरा वचन ही मेरा शासन, आप इतने में ही उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें छोटे संवाद जो होते हैं वो कई बार, मेरे पास माँ है, मैंने उस टोन में नहीं बोला जिस टोन में शशि कपूर जी ने बोला था, तो ये छोटे छोटे डायलॉग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज भी बोलते ही सुनते ही एकदम से उन करेक्टर्स की याद आ जाती है, तो वो संवाद प्रभावशाली है। इसीलिए तो भाषा पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। पात्र जो है आपका, अगर हीरो है तो हीरो वाली ही भाषा इस्तेमाल करेगा, वो टपोरी वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो वैसी हरकतें नहीं करेगा। जो गुंडा दिखाया गया, जो विलेन दिखाया गया, वो बहुत सभ्य भाषा अगर इस्तेमाल करेगा किसी फिल्म में या किसी नाटक में, तो आपको उससे ही हमदर्दी होने लग जाएगी, आपको हीरो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो आपका विलेन है उससे आपको एक घृणा भी तो करवानी है, उससे आपको नफरत भी तो करवानी है, इसलिए उसकी भाषा खराब की जाएगी, दम्भ से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई, अकड़ से भरी हुई उसकी भाषा इस्तेमाल करवाई जाएगी उसके द्वारा। साथ में वो भाषा दर्शकों की होनी चाहिए, दर्शकों की भाषा मतलब अकड़ भरी भाषा नहीं, मतलब जो भाषा दर्शकों को समझ में आती वो भाषा होनी चाहिए संवाद की, ताकि वो उसके साथ कनेक्ट कर सकें, हर चीज़ को समझ सकें। साथ में थोड़ा सा चुटीलापन भी होना चाहिए, हास्य व्यंग्य को भी उसमें ऐड कर दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक लंबी फिल्म को देख रहा है तो बीच में दो चार बार हंस लेगा तो उसको अच्छा ही फील होगा, थोड़ा हल्का अच्छा लगेगा, हल्का पल उसको लगेगा। अब संवाद जो होते हैं वो मन पर छाए रहते हैं, बहुत बात तक भी मन पर छाए रहते हैं, और कई बार सिग्नेचर स्टेटमेंट बन जाते हैं वो लोग, जैसे जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ऐसे डायलॉग आए थे पुराने टाइम में, कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है, मेरा वचन ही मेरा शासन, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, एक आया था मैं तो डर गई, एक आया था क्या कांप क्यों रही हो, इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से संवाद होते हैं, इंसान के मन पर छा जाते हैं, वो लोगों को बाद में निकल के, फिल्म से निकलने के बाद भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, यहाँ वहाँ जब वो बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी उनको कई बार उन जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, उनको लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसी सेंस में। फिल्म का सबसे सजीव हिस्सा होते हैं, सबसे एक अलाइव होता है संवाद, मनोवृत्ति को संचालित करते हैं, यानी कि जो किसी की मेंटेलिटी है, जो किसी का माइंड सेट है उसको सेट करते हैं, उसको आगे चलाते हैं, और पात्र को स्वीकार या अस्वीकार कराते हैं। पात्र की भाषा अच्छी होगी तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, पात्र की भाषा अच्छी नहीं होगी तो आप उसको डिनाई कर देंगे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हीरो की भाषा अच्छी रखी जाती है और जो विलेन होता है उसकी भाषा ख़राब रखी जाती है। आपको अगर मैं फिल्म में एक याद दिलाऊँ, एक फिल्म थी राजा बाबू, राजा बाबू में क्या था, गोविंदा को दिखाया गया था करेक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, कभी वो वकील के वेश में फ़ोटो खिंचवाता है, कभी डॉक्टर के वेश में खिंचवाता है, कभी पायलट के वेश में फ़ोटो खिंचवाता है, कभी नेताजी के वेश में फ़ोटो खिंचवाता है, अनपढ़ है बिल्कुल, पढ़ना शायद चौथी पाँचवीं पास उसमें दिखाया गया है गोविंदा को। अब उसी फिल्म में करिश्मा कपूर दिखाई गई है, लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है, अपने माता पिता की बड़ी प्यारी संतान है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सामने कौन आ रहा है, गोविंदा, जो कि अनपढ़ है, लेकिन उसकी भाषा बड़ी ही पोलाइट दिखाई गई है, माँ के लिए आज्ञाकारी बच्चा है, वो अपने पिता से डरता है, वो उनके सामने बदतमीजी नहीं करता है, बिल्कुल भी आज्ञाकारी बच्चा, हमें वही चाहिए, वो हमें दिख गया वहाँ पर।
करिश्मा कपूर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसको गुस्सा आया जब उसको पता चला कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है जिससे उसकी शादी होने वाली है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमें करिश्मा कपूर के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब हमें करिश्मा कपूर के ऊपर हमें अपनी ऑडियंस को गुस्सा दिलवाना है, उसको हमने बुरा साबित करना है, उसे हमने गलत साबित करना है, वो पढ़ी लिखी भी है, उसके साथ चीटिंग भी हो रही थी, उसको गुस्सा भी आ रहा है, यहाँ तक हम कहीं भी उसके साथ गलत उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि उसको गलत दिखाना है, हमने उसको गलत साबित करना है फिल्म में, तो उसके साथ हमने क्या करवाया, उसके हाथ में शादी के कार्ड दिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, उनको फड़वाया और वो लेकर के लड़के के बाप के मुंह पर उनको फेंक गई, जो चीज़ समाज में स्वीकार्य नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने सभ्य हैं, उन चीज़ों से किसी को लेना देना नहीं है। आप पब्लिक के सामने क्या करके गए हैं, जो चीज़ उन्होंने देखी उसी के हिसाब से, जो चीज़ आपके मुंह से सुनी उसी के हिसाब से पब्लिक आपके बारे में अपना ओपिनियन बनाएगी। तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद, सुंदर होने के बावजूद, रईस होने के बावजूद भी करिश्मा कपूर से नफरत कराने के लिए उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उसे कार्ड फाड़े और गोविंदा के पिताजी के मुंह पर वो फेंक गए। उस दृश्य ने सब कुछ बोल दिया कि करिश्मा तो बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद भी बाकी सबको बुरा लग रहा है, लेकिन जो हमारा हीरो है उसको बुरा नहीं लग रहा कि मेरे बाप के मुँह पर कार्ड फेंक के गई है लड़की, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, ऐसी जिद नहीं आ रही है उसके मन में। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वहाँ पर वो लड़की को फिर रियलाइज़ हो रहा है, तो वो सारी कहानी बहुत लंबी है, क्या कहानी है पूरी मुझे ध्यान भी नहीं है। तो एक सीन को मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि कैसे एक सीन के ज़रिए से ही उन्होंने एक सही चीज़ को भी गलत साबित कर दिया, सिर्फ एक सीन के दम पर सारी सही चीज़ों को सोसाइटी में, कोई भी अपनी लड़की की किसी अनपढ़ लड़के से शादी थोड़ी करता है, लेकिन वो चीज़ खुल गई, सबके सामने आ गई, उसके बावजूद भी हमारी नज़रों में लड़की गलत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने बदतमीजी की। वही काम अगर करिश्मा कपूर के फादर के हाथों करवाया जाता तो हमें करिश्मा कपूर गलत नहीं लगती, लेकिन क्योंकि हमें करिश्मा कपूर को गलत दिखाना था तो इसलिए हमने उसका एक्ट, उसके डायलॉग ऐसे रखे ताकि लोगों को, उसके ऑडियंस को उससे नफरत हो, लोग उसे अस्वीकार करें। और गोविंदा की उसमें जो है भाषा है, उसका जो बिहेवियर है, वो ऐसा रखा गया है कि चाहे वो अनपढ़ भी है तब भी उसको जनता स्वीकार करे। खलनायक फिल्म देखिए आप, खलनायक फिल्म में उसके डायलॉग ऐसे रखे गए हैं कि जनता उसे स्वीकार करे, संजय दत्त को। संजू फिल्म में उसके डायलॉग ऐसे रखे गए हैं, डायलॉग भी ऐसे हैं कि स्वीकार नहीं, ना भी किए जाएं, लेकिन उसका बोलने का तरीका ऐसा दिया गया है कि उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो पात्र को स्वीकार करे पब्लिक, ऐसे संवाद होने चाहिए, और पात्र को अस्वीकार करे ऐसे विलेन के लिए होने चाहिए। संवाद की संरचना क्या होती है? रचनाकार का अनुभव होता है अपना, जिसके आधार पर वो संवाद रचता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके दम पर वो कोई डायलॉग्स बनाता है, उसका अपना शब्दकोश होता है, उसके वोकैबुलरी में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे वो उतना ज़्यादा उनको यूज़ करेगा, उसको जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ों को वो इस्तेमाल करेगा। सामाजिक परिचय, समाज का उसको कितना परिचय, जैसे कि मैंने कहा समाज किस तरीके से नफरत करेगा करिश्मा कपूर से, वो समाज का परिचय था वहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, उसने एक एक्शन से उसके लिए नफरत पैदा करवा दी, समाज का परिचय है उसको। दृश्य का परिचय, दृश्य में क्या दिखाना है उसका पता उसको होना चाहिए, तभी वो डायलॉग लिख पाएगा। उसकी कल्पना शक्ति जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने अच्छे वो डायलॉग लिख पाएगा। भावुकता उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद भावुक होगा तभी दूसरों की भावुकता को समझ पाएगा, तभी वो समझ पाएगा कि कोई भी व्यक्ति कब भावुक होगा। चरित्रों का उसको परिचय होना चाहिए, कौन कौन करेक्टर है मेरी फिल्म में जिनके लिए मुझे डायलॉग लिखनी है, कौन हीरो है कौन विलेन है, ये सब उसे पता होना चाहिए, तभी वो इसी हिसाब से उनके लिए डायलॉग लिख पाता है। अब संवादों की विशेषता, संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, छोटे हों, मीनिंगफुल हों। अक्सर अपूर्ण होते हैं लेकिन तभी प्रभावपूर्ण होते हैं। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, कहानियों में, सीरियल्स में 3 डॉट लगा के लिखने में छोड़ दिया जाता है, और देख रहे होते हैं तो आपको अपने आप पता चल रहा होता है कि डायलॉग आधा रह गया है, पूरा डायलॉग बोला नहीं गया, लेकिन वो प्रभावपूर्ण होता है, इम्पैक्ट पूरा डालता है, असर पूरा डालता है। अधूरे डायलॉग का अपना एक रोल होता है। व्याकरण से भिन्न होते हैं बेटे, उसमें व्याकरण पूरी तरह से, भाषा का व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी का आपका व्याकरण पूरी तरह से उसमें सेटिस्फाई हो, पूरी तरह से व्याकरण का पालन किया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। चाहे कविता हो, चाहे किसी फिल्म के नाटक के डायलॉग हों, संवाद हों, उनमें कभी भी व्याकरण पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तेज होने चाहिए, असरदार होने चाहिए, और कई बार किसी किसी करेक्टर को कुछ तकिया कलाम भी दे दिए जाते हैं, उनको भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं संवाद के तौर पर।
वर्णनात्मकता कम होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वर्णन करने वाले, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले डायलॉग नहीं होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। जितने क्रिस्प डायलॉग होंगे उतना ही लोगों को पसंद आएंगे। जबरन अधूरा ना छोड़ा जाए, ज़बरदस्ती डायलॉग अधूरे नहीं छोड़े जाने चाहिए। अधूरे डायलॉग असर डालते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती डायलॉग्स को अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक चीज़ और, जहाँ तक हो सके डायलॉग्स को किसी भी फिल्म में, किसी भी नाटक में, किसी भी सीरियल में बार बार रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, दोहराया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी डायलॉग एक बार बोलने में असर डालता है, दूसरी बार बोलने में वो बोरियत पैदा करने लग जाता है। डबल मीनिंग के संवाद नहीं होने चाहिए किसी भी धारावाहिक में, द्वर्थी संवाद नहीं होने चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ में सहजता से धारावाहिक को देख सके। साहित्यिक शैली का प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिटरेचर की शैली रखेंगे सीरियल में भी तो लोग लिटरेचर को पढ़ लेंगे ना, आपके सीरियल को क्यों देखेंगे? लिटरेचर तो साहित्य तो पढ़ रहे हैं ज्ञानवर्धन के लिए, और सीरियल देख रहे हैं मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन ही हो, उससे ऐसा ना लगे कि सीरियल भी ज्ञान देने लग गया। ज्ञान लेना होगा तो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, धारावाहिक देख रहे हैं, इसका मतलब उन्हें मनोरंजन चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्द नहीं होने चाहिए। क्लिष्ट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मुश्किल शब्द नहीं होने चाहिए, आसान शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, ऐसा ना हो कि हवा हवाई बात हो रही है, यकीनी नहीं हो रहा जो डायलॉग हो रहे हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संवाद लाऊंगा। बेचारे गए हैं अभी चंद्रयान लेकर के, कैसे कैसे गए हैं और कितनी मेहनत करके गए हैं वो किसी को नहीं पता। वो तो जाएंगे बस जी 16-17 सितारे बांध के ही ले आएंगे, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। हालांकि मैं उसका मजाक, मतलब उसको वो नहीं कर रही हूँ, मैं केवल इसलिए इन चीज़ों को लिंक कर रही हूँ ताकि आपको जब आप पेपर करें तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएँ। मैं केवल इसलिए इन चीज़ों को लिंक कर रही हूँ, इस चीज़ को आप अदरवाइज मत लेना। जब आप विश्वसनीयता की बात करेंगे तो आपको तुरंत से ये बात याद आ जाएगी। कथा को विस्तार दें, साथ में जो संवाद हैं वो कहानी को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि कहानी वहीं के वहीं रह जाए, 100 डायलॉग बोले लेकिन कहानी वहीं के वहीं अटकी पड़ी है, ऐसा ना। और दृश्यों से तालमेल होना चाहिए, जो भी आपका दृश्य चल रहा है उसके उससे जुड़ा हुआ ही आपका डायलॉग होना चाहिए। दृश्य कुछ और डायलॉग कुछ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब पटकथा और नाटक के संवाद में अंतर, पटकथा जो लिखी जाती है उसमें संवाद जो होते हैं प्रधान होते हैं, फिलर्स के तौर पर होते हैं। पटकथा में संवाद जो होते हैं फिलर्स होते हैं, जबकि नाटक में केंद्र में संवाद होते हैं। और गीत संगीत भी पटकथा के अंदर होता है, जबकि नाटक जो होता है उसमें विकास जो होता है केवल संवादों के दम पर ही होता है। पटकथा और नाटक के संवाद में ये अंतर, पटकथा में आप नाटक लिखेंगे तो उसमें आपके संवाद जो हैं वो प्रधान होते हैं और फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गीत संगीत का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाटक में क्या होता है, संवाद ही सेंटर में होते हैं और उनसे ही संवादों से ही पूरे के पूरे नाटक का विकास होता है, ये अंतर होता है। तो ये आपकी तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई, अब हम कर रहे हैं चौथी यूनिट बेटा, फीचर फिल्म, धारावाहिक, कहानी, डॉक्यूमेंट्री में संवाद लिखना। संवाद जीवन का अहम अंग होते हैं, अभी अभी हमने किया, सामान्य जीवन में भी और रंगमंच पर भी, फिल्म में भी, धारावाहिक में भी, कहानी में भी। संवाद दो लोगों के बीच का वार्तालाप होता है, भावाभिव्यक्ति होती है, ज्ञानार्जन होता है, सूचना होती है उसमें। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। अभी संवाद के जरिए हम भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ज्ञान हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फीचर फिल्म के लिए संवाद लेखन कैसे होता है वो हम करेंगे। पहले फीचर फिल्म में बेटा पहले मूक बनती थी, राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी, वो आवाज़ नहीं थी, जिसमें बाद में आलम आर आई जिसमें आवाज़ थी, सवाक फिल्म बनी बाद में। तो फिल्म लेखन के अंग क्या क्या होते हैं, पहली कथा, कोई कथा मिलती है, कोई कहानी मिलती है कि इस पर हम फिल्म बनाएंगे, उसके बारे में पटकथा लिखी जाती है पूरी की पूरी, उसके बाद डायलॉग लिखे जाते हैं। आप फिल्म की गति, फिल्म को गति देते हैं संवाद, किसी फिल्म को आगे रफ्तार मिलती है संवादों के जरिए, दर्शकों की रुचि बढ़ती है उससे, दर्शकों की रुचि बढ़ती है, संवाद सुनते जाते हैं तो उनके इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब आगे कोई भी हीरो क्या बोलेगा, अब विलन क्या बोलेगा। साथ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, कोई भी डायलॉग लिखते टाइम बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना होता, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग नहीं लिखने पड़ते हैं, और बहुत परिश्रम करना पड़ता है डायलॉग लिखने के लिए टाइम पर, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उनका डायलॉग जो है वो आपस में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे के जवाब में आए हुए लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ डायलॉग बोल रहा है, कोई कुछ और डायलॉग बोल रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। साथ में रुचि होनी चाहिए लिखने वाले की, कि भाई डायलॉग तरीके से लिखे जाएं ताकि उनमें एक रुचि उत्पन्न करें सुनने वाले में, रुचिकर लगे, सुनने में अच्छे लगे। रिपीट नहीं होने चाहिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, डायलॉग रिपीट नहीं होने चाहिए। संवादों के जरिए चरित्र की पहचान होती है, जो कैरेक्टर है उसको हम पहचान पाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, खराब है, हीरो है, हीरोइन है।
उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं संवादों के जरिए, उसके साथ हम अपनापन एक फील कर पाते हैं। और प्रसिद्धि का आधार भी कई बार संवाद होते हैं, जैसे कि देवानंद जी हैं अपने डायलॉग की वजह से प्रसिद्ध हो गए, अमजद खान अपने डायलॉग की वजह से प्रसिद्ध हो गए, मेरा वचन ही मेरा शासन आज तक प्रसिद्ध है बिल्कुल। और लोग वो लोगों को हमने एक एक डायलॉग की वजह से हम लोग याद करते हैं, अपने पैरों को ज़मीन पर मत रखना मैले हो जाएंगे, राजकुमार की याद दिला देता है पाकीज़ा के लिए, है ना। तो प्रसिद्धि का आधार होते हैं कई बार संवाद। चारित्रिक अभिव्यक्ति, कई बार कोई करेक्टर है उसके बारे में बता देते हैं उसके संवाद या कोई और उसके बारे में बोलता है तो उससे हमें पता चलता है कि कोई करेक्टर कैसा है। सरलता से भावाभिव्यक्ति, बड़े आसानी से संवादों के जरिए भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं उनको आप बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे संवाद की इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है। धारावाहिक के लिए जब संवाद देखे जाते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं। अनेक भाग होते हैं धारावाहिक में, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनका आपस में जुड़ाव दिखना चाहिए। पार्ट वन अलग ना दिखे, पार्ट थ्री अलग ना दिखे, पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सारे के सारे एक ही धारावाहिक का हिस्सा लगें, संवाद ऐसे होने चाहिए। और संवाद रुचिकर होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। चरित्र के परिचय को, जो चरित्र है उसी के जैसे संवाद हो, जो चरित्र है उसको ही इंट्रो करते हुए संवाद होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, संवादों में सस्पेंस भी होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ सस्पेंस भी मेंटेन कर पाएँ, ऐसे संवाद भी किसी भी नाटक में धारावाहिक में होने चाहिए। देखिए हम धारावाहिक के संवाद के लिए बात कर रहे हैं, थोड़े से सस्पेंस होना चाहिए, थोड़ा सा नाटकीयता होनी चाहिए, थोड़े ट्विस्ट आने चाहिए संवादों के जरिए, और छोटे छोटे संवाद होने चाहिए, थोड़ी भावुकता होनी चाहिए, और शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो परिवार के साथ बैठकर सुने जा सकें। डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिनको हम परिवार के साथ सुनने में आपत्ति करें। ऐसे आपके डायलॉग की बात हो गई धारावाहिक के लिए संवाद। अब है कहानी के लिए संवाद लेकर, पाठक के अनुकूल होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कहानी के पाठक कौन है, आपने किनको सेंटर मान करके किसको टारगेट करके कहानी लिखी है, बच्चों के लिए कहानी लिखी है तो उसी हिसाब से संवाद लिखेंगे, युवाओं के लिए कहानी लिखी है तो उसी हिसाब से लिखेंगे, महिलाओं के लिए अगर आपने कहानी लिखी है तो आप उसी हिसाब से संवाद लिखेंगे। भावुक होनी चाहिए कहानी के संवाद, थोड़े से लोगों को इमोशनल करके कहानी से कनेक्ट कर सके। सरल होने चाहिए संवाद, छोटे संवाद होने चाहिए, और कहानी को विस्तार देने वाले संवाद होने चाहिए। संवाद ऐसे ना हो कि कहानी वहीं के वहीं अटकी रह जाए और नायक नायिका बोलते चले जा रहे हैं लेकिन कहानी वहीं के वहीं अटकी पड़ गई, ऐसे संवाद नहीं होने चाहिए। और नाटकीयता होनी चाहिए थोड़ी सी, कि एक किसी को लगे कि कुछ हो रहा है, कथा को रोकें या भटकाएं नहीं संवाद, संवादों से कथा रुके नहीं भटके नहीं, ये सारी की सारी बातें कहानी के संवाद को लिखते टाइम ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्री के लिए संवाद लेखन। जब कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए संवाद लिख रहे हैं तो सरल भाषा होनी चाहिए, सहज भाषा होनी चाहिए, क्योंकि आपका मकसद है ज्ञान देना, किसी चीज़ के बारे में बताना। भाषा को आपने किसी की को ये नहीं बताना कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारी भाषा बहुत रिच है। आपको कोई ज्ञान देना है तो सरल भाषा में ही देना पड़ेगा, सहज भाषा में देना पड़ेगा। दर्शक के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के लोगों को कोई बात बता रहे हैं तो आपको हिंदी में या इंडियन किसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। आप अगर अमेरिका में बता रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से बताना पड़ेगा। सूचनादायी संवाद होने चाहिए। हर संवाद में थोड़ी बहुत सूचना आपकी ऑडियंस के पास पहुँचे। अक्सर पटकथा में संवाद नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्री की संवाद नहीं होते हैं, इसमें जनरली एक डिस्क्रिप्शन होता है। आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री में कई बार संवाद नहीं होते हैं, लेकिन संवाद वास्तविक होने चाहिए, सत्यापित होने चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो रियल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। साथ में क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट की जानी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही डॉक्यूमेंट्री में डाल दी, सुनने वाला परेशान हो गया और सारी चीज़ें भूल गए। बैलेंस होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री में आपने उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, उतनी ही सूचना देनी है संवादों के माध्यम से, जितनी किसी व्यक्ति को बर्दाश्त हो सके, उसे वो एक्सेप्ट कर सके। तो ये था हमारा टोटल सिलेबस आपका, पूरी की पूरी चारों इकाइयाँ आपकी यहाँ ख़त्म हो गई हैं। इकाई एक, इकाई दो, इकाई तीन, इकाई चार, इनमें से आपके अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने थोड़ा सा ले लिया, एक बार आप भी ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न मैंने आपको तब भी बात की थी जो बन सकता है इसमें से, आपके पेपर में आ सकता है, पटकथा का स्वरूप और अवधारणा। बेटा हमेशा आपके पेपर में एक प्रश्न में दो प्रश्न जोड़ करके आएंगे, हर प्रश्न में दो प्रश्न जुड़े हुए होंगे तो आपको उसी तरह से आंसर लिखने हैं। तो पटकथा का स्वरूप और अवधारणा सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। दूसरा, कैमरे के कार्यों का परिचय दीजिए, ये भी हमने किया था। लॉन्ग शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट, ये सारे सारे जो हमने किए थे, शॉर्ट्स वगैरह है ना, और ट्रॉली, वो सब चीज़ें जो की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आप लिख देंगे। तीसरा है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें, टीवी कार्यक्रम उनके प्रकार और परिचय, इसमें आपको
जो थे कमीशन और स्पॉन्सर, उनके बारे में आपको लिखना होगा, उनके बारे में पूरा बताना होगा। चौथा है टीवी और सिनेमा पटकथा लेखन में अंतर। ये किन्हीं दो के अंदर पूछी जा सकती है आपसे, टीवी और सिनेमा पूछा जा सकता है, सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री पूछा जा सकता है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। अगला है पटकथा लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। हमने बहुत डीप में अभी किया था पटकथा लेखन की प्रक्रिया, इस पर भी प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है फीचर फिल्म, धारावाहिक, कहानी, डॉक्यूमेंट्री की पटकथा लिखते समय ध्यातव्य बातें, क्या क्या बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। ये लास्ट में अभी हमने किया है संवाद लिखते टाइम वाला, बिल्कुल लास्ट में किया है। अभी आपका एक प्रश्न संवाद से आ सकता है, संवाद क्या है, संवाद की संकल्पना क्या है, संवाद का महत्व क्या है, ये प्रश्न बन रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ आपका ये भी आ सकता है कि संवाद में आवश्यक स्थितियाँ तथा उनका महत्व, ये भी आपका प्रश्न बनता है। और संवाद की विशेषताएँ और संवाद लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है इसमें से। और एक कोई आपसे कोई पटकथा लिखने के लिए कहा जा सकता है या कोई संवाद लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, एक प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है। तो इस तरह से भी आपको एक छोटी सी पटकथा अपने माइंड में तैयार कर लें कोई सीन को सोच करके, ताकि अगर मान लो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर सीन भी दिया जाए तो उसके हिसाब से आप रिलेट करके लिख सकें। और कोई एक संवाद भी आप थोड़ा सा तैयार कर लें, संवाद तो आपने जहाँ तक है 9th-10th क्लास में आपने लिखा होगा, अभी अगर आपने अभी 12th पास किया तो आपने 9th-10th में आपने CBSE में संवाद तो लिखा होगा, तो उसी तरीके से संवाद भी लिखने के लिए किन्हीं दो लोगों का आ सकता है आपको लिखने के लिए। तो ये था आपका पेपर पटकथा एवं संवाद लेखन, जो कि आपका BA ऑनर्स इंग्लिश और BA ऑनर्स पॉल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर का जनरिक इलेक्टिव जो आपका कोर्स है उसका पेपर है ये। इसका एक बार फिर से आप लोग अपना सिलेबस तैयारी कर लीजिए। पटकथा लेखन इसमें चार इकाइयाँ हैं बेटे आपकी, पहली है पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा, दूसरी है फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री की पटकथा, तीसरी इकाई है आपके संवाद लेखन संरचना और सिद्धांत, चौथी इकाई है फीचर फिल्म, धारावाहिक, कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री का संवाद लेखन। तो ये पूरा आपका टोटल सिलेबस है बेटे, पूरा का पूरा आपका पेपर ये हमारा इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है और 1.5 घंटे से भी कम समय में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने पेपर की तैयारी आपकी इसी में से पूरी हो जाती है। इसे अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कुछ और देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप लोग मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बता दिया कीजिए बेटा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और साथ में ही आप लोगों को एक मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे शेयर कर देती हूँ इसमें, जहाँ आपको ये PDF फाइल मिल जाती है। अब मैंने नया एक शुरू किया है ट्रेंड बेटे, कि जो भी वीडियो शेयर करती हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसका PDF शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको वो PDF मिल जाए, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आप लिख सकते हैं आपको किस पेपर का आपको वीडियो चाहिए, आपको वो भी मैं बना के जल्दी ही शेयर कर दूँगी। तो आपके पेपर के लिए बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।